यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारा पेपर नंबर टू कॉमर्स की यूनिट नंबर 10, जो हमारा पेपर नंबर टू कॉमर्स है उसकी यूनिट नंबर 10 जो है, दैट इज द इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो इस यूनिट को हम लोग जो है वो करने वाले हैं रिवाइज। अगर बात करता हूं इनकम टैक्स का, तो इनकम टैक्स के अपने एग्जाम के अंदर जो है वो 10 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 20 नंबर की इसकी जो है वो टोटल वेटेज है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। और सबसे अच्छी चीज जो है इनकम टैक्स के क्वेश्चन की वो ये है कि इनकम टैक्स के क्वेश्चन आते हैं आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब यहां पे कोई आपको एनालिटिकल स्किल लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेन बस ये है कि अगर आपको प्रोविजन याद है तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, और अगर प्रोविजन याद नहीं है तो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। तो बेसिकली इनकम टैक्स की अगर बात करें तो इनकम टैक्स के अंदर अपना क्या क्या सिलेबस है, तो उसके लिए अपने जो बुक है उसके स्टार्टिंग में इंडेक्स हमने डाला हुआ है। टोटल मिला के 201 पेज की हमने जो है वो किताब बनाई हुई है। इस 200 पेज की किताब के अंदर जो है हमने पूरा का पूरा इनकम टैक्स विद अमेंडमेंट डाला हुआ है, और इसका ये जो हमारी बुक है ये असेसमेंट ईयर 2022-23 के हिसाब से जो है वो हमने बनाई हुई है। तो इसके अंदर आपका जो फाइनेंस प्रीवियस ईयर है वो है 21-22, तो आपका जो फाइनेंस एक्ट 2021 है उसके भी अमेंडमेंट हमने जो है वो इनकम टैक्स की बुक के अंदर जो है वो की हुई है, तो पूरी अपडेटेड है। इसके अलावा कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2020 के मुकाबले में 2021 में कुछ चीजों के अंदर अमेंडमेंट आई थी, वो सब हमने जो है इसके अंदर डाल दिया है। तो रिविजन वीडियो के अंदर अगर आपने जो है वो 2020 का फाइनेंस एक्ट पढ़ा हुआ है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इस रिविजन वीडियो के अंदर मैं सारी अमेंडमेंट जो है वो भी आपको साथ साथ करवा दूंगा कि कौन कौन से प्रोविजन के अंदर जो है वो चेंज हुआ है, जैसे सैलरी के अंदर थोड़ा बहुत चेंज हुआ, हाउस में थोड़ा सा चेंज है, पीजीबीपी हेड के अंदर जो है वो काफी चेंज हुआ है, अदर सोर्सेस के अंदर जो है वो डिविडेंड वाले टॉपिक के अंदर जो है वो चेंज हुआ है। तो जो जो चेंजेस है वो सारे हम जो है वो साथ-साथ में निपटा लेंगे। ओके जी सर, तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ये कि इनकम टैक्स के सिलेबस में क्या-क्या है, तो देखो इनकम टैक्स का जो अपना सिलेबस है उसको हमने चार पार्ट के अंदर बाइफर्केट किया था, टोटल मिला के 21 चैप्टर जो है वो हमने बनाए थे, ये देख लो एक बार के लिए। सबसे पहला जो आपका यूनिट वन है, मतलब इसके अंदर चार यूनिट जो है वो उसमें डिवाइड किया हुआ पूरे सिलेबस को। यूनिट वन है आपका बेसिक का, बेसिक के अंदर जिसके अंदर बेसिकली आपका जो है वो टॉपिक आएगा कौन कौन सा, इसके अंदर आएगा जी आपका इनकम टैक्स रेट हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया इनकम टैक्स का, इसके अंदर आपका डेफिनेशन सारी जो है वो इसमें आ जाएंगी, फिर रेजिडेंशियल स्टेटस और टैक्स लायबिलिटी यहां, फिर एग्रीकल्चर इनकम हो गया, फिर पांचों हेड हो गए आपके। पांच हेड कौन कौन सा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैब के, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके अलावा फिर पांचों इनकम को जोड़ दे तो क्या आती है आपके ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से माइनस करते हैं रिडक्शन 80C से 80U तक का, तो वो आएगा चैप्टर 6A की रिडक्शन। इसके बाद एक टॉपिक है AMT का, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का, फिर इसके बाद में है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का टॉपिक, फिर है क्लबिंग का टॉपिक, और लास्ट में कौन सा एग्जेम्पशन। तो एक यूनिट तो हमने ये बना रखी है। दूसरी यूनिट की अगर बात करते हैं तो वो है आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड, जिसके अंदर दो चैप्टर हैं आपके, एक है DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का, और एक आपका टीपी का, टीपी बोले तो ट्रांसफर प्राइसिंग का। इसके अलावा बात करें कॉर्पोरेट टैक्सेशन, तो उसके अंदर आपके दो चैप्टर मैंने बना रखे हैं, एक है आपका कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का और एक है आपका मैट का, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का, सेक्शन 115JB। और उसके लास्ट में जो है एक लास्ट टॉपिक, लास्ट यूनिट जो है फोर्थ यूनिट और बना रखी है, जिसके अंदर आपके तीन टॉपिक आते हैं, एक आएगा आपका TDS का, एक आएगा आपका एडवांस टैक्स का, और एक आएगा आपका किसका ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न का। तो टोटल मिला के अगर बात करूं तो कितने चैप्टर हो गए हैं, ये अगर हम जोड़ते हैं 21 ये हो गए, चौदह और चार अठारह और तीन इक्कीस, तो टोटल मिला के चैप्टर कितने हैं 21। 21 चैप्टर के लिए अपने बुक जो है वो 201 पेज की जो है किताब बना रखी है। हम लोग जो है इसके अंदर हमने बहुत सारे वीडियो जो है वो करे, लगभग लगभग हमने कोई 50 वीडियो के अंदर जो है पूरा का पूरा इनकम टैक्स को कंप्लीट किया, लेकिन अब हम लोग जो है वो इसकी करेंगे रिविजन, और दो लेक्चर हम लोग जो है वो इसके रिविजन के हम बनाएंगे। आज है फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो इसके करेंगे 1 से लेकर 14 चैप्टर, ठीक है, जिसमें चैप्टर 9 और 10 में इसमें नहीं करूंगा, थोड़े से बड़े चैप्टर है तो इसको हम करेंगे यहां पर, ठीक है, जो अपनी सेकंड वीडियो बनेगा। तो फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको जो है मैं करवाऊंगा 1 से लेकर 14 चैप्टर, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, दैट इज द पीजीबीपी का चैप्टर एक ये, और एक दूसरा जो है वो कौन सा डिडक्शन का, ये दोनों चैप्टर हम लोग जो है वो करेंगे हमारे सेकंड वीडियो में, जो कि कल हम जो है वो अपलोड करेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए हम लोग जो है वो टोटल मिला के कितने चैप्टर करने वाले हैं 12, आज करेंगे 12 चैप्टर, और उसके अलावा यहां पे जो है वो हम करेंगे रिमेनिंग जो अपने चैप्टर बच जाएंगे वो सब हम करेंगे कहां पे, अपने सेकंड वीडियो के अंदर।
बात समझ में आई क्या? जी सर समझ में आए। तो आइए अब हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो 12 चैप्टर आज रिवाइज करना है, 9 चैप्टर जो है वो अपने को सेकंड वीडियो के अंदर जो है पूरा पूरा रिवाइज करना है, एक एक करके पढ़ेंगे। ये रिवीजन वीडियो है, थोड़ा सा आपका ये फास्ट ट्रैक पे चलेगा। मैंने आपको जब प्रोविजंस करवाए थे पूरे डिटेल के अंदर जाके करवाए, जहां प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आए वो भी हमने साथ साथ जो है वो कवर कर लिया था। अब ये रिवीजन वीडियो है, रिवीजन वीडियो का मेन एम ही ये होता है कि आपने 50 वीडियोस के अंदर जो काम किया उसको एक ही वीडियो के अंदर अब कवर अप करना है, ताकि जब आप इस बुक को दोबारा पढ़ना स्टार्ट करो, ये बुक को जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो उससे आपको जो है दोबारा से वो सारी वीडियोस लगाने की रिक्वायरमेंट ना हो और आपका पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो क्या हो जाए, आपका गो थ्रू हो जाए, ठीक है ना। इसीलिए ये रिवीजन वीडियोस जो है वो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, ताकि जब आप रिवीजन करने बैठो तो आपको जो है दोबारा से जो है वो सारे के सारे लेक्चर लगाने की रिक्वायरमेंट ना हो। अब मैं आपको चीजें बताते जाऊंगा तो आपको जो है वो सारी रिकॉल होती रहेंगी जो आपने क्लासरूम के अंदर लगाई हुई है, जो आपने क्लासेस के अंदर की हुई है। ओके जी सर, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दो। अगर आप लोग भी जो है वो अपकमिंग दिसंबर 2022 के लिए एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं, या आपके घर में अगर कोई पर्सन है, आपके कोई छोटे भाई बहन है, या आपके कोई जूनियर्स अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा उसके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा जो ऑनलाइन बैच है उसके अंदर हम लोग आपको पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 कॉमर्स और पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट कोर्स 17 उसकी भी हम कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपको हमारी कोचिंग में मिलेंगे चार चीजें, एक मिलेंगे सारे के सारे वीडियो लेक्चर, हर यूनिट के सेपरेट वीडियो लेक्चर चैप्टर वाइज हमने बना रखे हैं, प्लस मिलेगा आपको आप सारा का सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में। जैसे अगर हम बात करते हैं अभी टेक्स्ट का, तो ये हमने टेक्स्ट की बुक बना रखी है, 200 पेज की टेक्स्ट की जो है वो किताब बना रखी है, पूरा का पूरा टॉपिक इसके अंदर डाला हुआ है, अपडेटेड स्टडी मटेरियल ये मिलेगा। प्लस में आपको मिलेगा रिवीजन करने के लिए रिवीजन की वीडियो और प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज पीडीएफ फॉर्म में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, नीचे नंबर दिया इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी अगर आप देखना चाहते हो कोई डेमो के लेक्चर तो हमारे चैनल पर जाइएगा मोहित शर्मा क्लासेस पे, और वहां पे आपको जो है वो डेमो के लेक्चर भी मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब बहुत सारे लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कोई स्पेशल डेमो का लेक्चर है, ये हमारे रूटीन क्लासरूम के लेक्चर जो है उन्हीं में से हमने जो है वो वहां पे YouTube के ऊपर अपलोड कर देते हैं, तो वहां पे देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं। ओके जी सर, और जो कंटेंट हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे कंटेंट वही है जो आपको वीडियोस के अंदर देखने को मिलता है। लाइक अभी हम जो मैं जो आपको अभी करवाऊंगा, तो यही सेम कंटेंट आपको जो हमारे वीडियोस के अंदर भी देखने को जो बुक के अंदर जो कंटेंट है वही वीडियो के अंदर हम लोग यूज करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वीडियोस का कंटेंट अलग होगा और बुक का कंटेंट अलग होगा। ओके जी सर, तो अगर आप इंटरेस्टेड है नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कीजिए, ठीक है ना जी। चलो अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है आपका चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जो है वो है आपका किसका, इनकम टैक्स के रेट्स का। इसके अंदर बात करें इनकम टैक्स के रेट के बारे में। आप देखो इनकम टैक्स के रेट की अगर हम बात करते हैं, पहली बात पहले इनकम टैक्स की करते हैं। देखो टैक्स जो है वो दो तरीके का है, एक है जी आपका डायरेक्ट टैक्स, कौन सा डायरेक्ट नेचर का, और एक कौन सा आपका इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन जिसके ऊपर इंपोज हुआ उसका बर्डन उसी को उठाना पड़ेगा, और इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है वो हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहां पे जो है पढ़ने वाले इनकम टैक्स एक्ट को नहीं, इनकम टैक्स लॉ को। इनकम टैक्स लॉ एक बहुत ही वाइडेड टर्म है जिसके अंदर इनकम टैक्स एक्ट भी आता है। तो इनकम टैक्स लॉ जो टर्म है उसके अंदर 5 जो है वो एस्पेक्ट आते हैं। एक आता है आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961, एक आएगा इसके अंदर एनुअल अमेंडमेंट, हर साल जो आपका इनकम टैक्स एक्ट जो बना हुआ है ना, तो इसके अंदर हर साल जो है वो क्या होती है, अमेंडमेंट होती है, तो वो भी आपको जो है साथ में पढ़ना पड़ेगा। प्लस में आएगा आपका इनकम टैक्स रूल 1962, प्लस में कुछ सर्कुलर जो अपना सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन है वो जो जारी करता है टाइम टू टाइम पे, जो उसके द्वारा सर्कुलर या नोटिफिकेशन जारी किया गया वो पढ़ना होता है। और लास्ट जो है वो क्या, जुडिशियल डिसीजन, जो बेसिकली कोर्ट के जो कोर्ट अपने इंडिया में जो कोर्ट है उनके जो डिसीजन होते हैं वो भी अपने को देखना पड़ेगा। तो अपने इंडिया के अंदर जो है वो 2 लेवल पे कोर्ट है जनरली, एक है आपका हाई कोर्ट, एक है आपका कौन सा सुप्रीम कोर्ट। तो अगर कोई मामला हाई कोर्ट में गया तो वहां से उसका कोई डिसीजन आया है मान लो टैक्सेशन को लेकर के, या सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला गया वहां से अगर मान लो कोई टैक्सेशन को लेकर के डिसीजन आया तो वो भी अपने को कंप्लाई करना पड़ता है। तो एक बात यहां पर ध्यान रखना कि इनकम टैक्स एक्ट बहुत ही छोटे टर्म और इनकम टैक्स लॉ बहुत ही वाइड टर्म है जिसके अंदर इनकम टैक्स एक्ट भी साथ में आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि किसके पास में पावर है टैक्स कलेक्ट करने का, तो यहां पे हमने बता दिया अपने इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने वो पेरेंट लॉ है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने वो जो पावर है वो दे दिया था किसको, पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट के पास में जो है वो क्या है, पावर है, और पार्लियामेंट जो है वो क्या करती है, कानून बनाने की पावर जो है किसके पास में, पार्लियामेंट, ठीक है ना। अब अपने इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अपने इंडिया का संविधान है उसका आर्टिकल 246 जो है उसने क्या किया, उसने शेड्यूल नंबर 7 जो है बना रखा है, और शेड्यूल 7 के अंदर जो है वो 3 तरह की लिस्ट आपको जो है प्रोवाइड की हुई है। एक है जी आपका यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में वो मुद्दे आएंगे जिनके ऊपर कानून बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। एक है आपका स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट के अंदर वो मुद्दे आएंगे जिनके ऊपर कानून बनाने की पावर स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के पास में। और एक है आपकी कंकरेंट लिस्ट जिसके अंदर कानून बनाने की पावर दोनों के पास में है, लेकिन यहां पे प्राइम अथॉरिटी जो है वो कौन रहती है, आपकी
कौन रहती है? वो रहती है जी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जो आपकी यूनियन लिस्ट है जिसके अंदर रूल बनाने की पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, उसी यूनियन लिस्ट के अंदर आपकी एंट्री नंबर 82 जो है वो डाली गई है, जो डील करती है किससे? टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। तो मेन बात जो है वो ये है कि अपने इंडिया में इनकम टैक्स का कलेक्शन जो है वो कौन करता है? वो करती है जी सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट को वो पावर जो है वो किसने दिया? वो दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने, आर्टिकल 246 के अंदर जो है वो एंट्री नंबर 82 डाला गया। और ये एंट्री नंबर 82 ने जो है वो पावर प्रोवाइड किया है किसको? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो किसी भी इंडिविजुअल की इनकम के ऊपर जो है वो टैक्स लगा सकती है और उसके लिए रूल फ्रेम कर सकती है, ठीक है। अब इनकम टैक्स एक्ट जो है वो तो है आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो वो तो अपने 1961 के बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से या फिर उस टाइम के एनवायरनमेंट के हिसाब से बना दिया था। लेकिन आपको मालूम है एनवायरनमेंट डायनेमिक है, उसमें चेंज होता है, और अगर फोर्सेस में या फैक्टर्स के अंदर चेंज होगा तो आपको अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को भी क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हर साल जो है वो क्या होती है? अमेंडमेंट्स होती है, ठीक है ना। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या होती है? अमेंडमेंट होती है। वो कैसे होती है? वो होती है विद द हेल्प ऑफ द फाइनेंस एक्ट, ठीक है। तो हर साल जो है वो फाइनेंस बिल पेश किया जाता है, बेसिकली जो बजट पेश करते हैं ना तो उसी के अंदर आता है आपका फाइनेंस बिल, और फाइनेंस बिल के थ्रू जो है वो हर साल जो है वो क्या की जाती है? आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर जो है वो अमेंडमेंट की जाती है, ठीक है। तो फाइनेंस बिल को हम लोग जो है वो पहले क्या करते हैं? पेश करते हैं पार्लियामेंट में, तो वो बनता है आपका क्या? फाइनेंस एक्ट। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसके अंदर जो है वो कुछ मिनिस्ट्रीज वर्क करती है, और उसके अंदर एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मेन काम जो है वो है गवर्नमेंट के लिए क्या करना? फंडिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के टोटल मिला के डिपार्टमेंट जो है वो कितने हैं? 5 डिपार्टमेंट है। एक है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, इसका मेन काम जो है पॉलिसी मेकिंग का होता है। एक है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इसका मेन काम देश के अंदर कितना खर्चा करना है, खर्चे को सैंक्शन करने का होता है। एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसका मेन काम जो है वो क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पैसे इकट्ठा करने का। एक है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, ये बेसिकली बैंक इंश्योरेंस इनके लिए रूल बनाने का काम करता है। एक है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द पब्लिक असेट मैनेजमेंट, इसका मेन काम जो है वो क्या? डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को ये गवर्न करता है, मतलब सरकार के जो उद्यम है उनको बेच रहे हैं तो उसके लिए जो है वो ये डिपार्टमेंट काम करता है। अब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो बनाया था 1963 के अंदर, इसके अंदर दो तरह के बोर्ड आते हैं, एक आएगा CBDT, एक आएगा CBIC। CBDT इज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, मतलब इनकम टैक्स को गवर्न करने के लिए हमने एक बोर्ड बना दिया, उस बोर्ड का नाम है CBDT। दूसरा है CBIC। CBIC इज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, तो पहले इसका नाम CBEC था, लेकिन जब से 1 जुलाई 2017 के अंदर जब आपका क्या आया? GST आया, तो उसके बाद जो है इसका नाम जो है वो क्या कर दिया? चेंज कर दिया, CBEC से उसका नाम कर दिया CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स के मैटर को जो है वो क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेट करने का काम करता है। अब आपको अपने एग्जाम के लिए जो पढ़ के जाना है वो पढ़ के जाना है जी फाइनेंस एक्ट 2021, जिसका प्रीवियस ईयर होगा 21-22, मतलब जो स्टार्ट होगा 1/4/2021 से और एंड होगा 31/3/2022, और जो आपका असेसमेंट ईयर रहेगा वो रहेगा जी आपका 22-23, जो स्टार्ट होगा 1/4/2022 से और एंड होगा 31/3/2023 को। आप पढ़ते हैं पहले इनकम टैक्स रेट को। सबसे पहले बात करें इंडिविजुअल का, तो इंडिविजुअल के लिए चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है, जिसकी उम्र जो है वो 60 साल से कम है, तो उसके लिए इनकम टैक्स रेट जो है वो क्या है? वो है 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक जो इनकम आएगी आपकी, मतलब जो एक्स्ट्रा 2.5 लाख की इनकम बची उसके ऊपर टैक्स रेट कितना? 5%। 5 लाख से ऊपर की जो इनकम है 10 लाख रुपए तक, उसके ऊपर टैक्स रेट जो है वो कितना है? 20%। और अबव 10 लाख की इनकम के ऊपर टैक्स रेट जो है वो कितना? 30% का। मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए टैक्स रेट जो रहेगा वो क्या रहेगा? सेम। लेकिन अगर आप रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन कौन होता है? जिसकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है लेकिन 80 साल से जो है वो क्या है? कम है। तो अगर आपकी उम्र 60 या उससे ज्यादा लेकिन 80 से कम है तो आपके लिए टैक्स का रेट जो है वो क्या रहेगा? अलग रहेगा। आपके लिए एग्जम्पशन लिमिट थोड़ी सी क्या कर दी है? गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। तो आपके लिए जो टैक्स रेट रहेगा वो क्या है? 0 से लेकर 3 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट है। 3 से 5 5% है, फिर 5 से लेकर 10 20%, 10 से ऊपर 30%। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है, मतलब जिसकी उम्र 80 ईयर या उससे ज्यादा है, तो आपके लिए जो टैक्स जो एग्जम्पशन लिमिट रहेगी वो रहेगी कितने? 5 लाख। तो 0 से लेकर 5 लाख रुपए तक जो है वो क्या रहेगा? नील रहेगा। 5 से लेकर 10 लाख रुपए तक जो है वो क्या रहेगा? 20%। और 10 से ऊपर रहेगा क्या? 30%। इसके अलावा सरचार्ज का यहाँ पे रूल जो है वो बता रखा है। अगर मान लो आपकी इनकम 50 लाख से क्रॉस कर जाती है, तो जितना 50 लाख से ऊपर है लेकिन 1 करोड़ रुपए तक है, तो जितना भी आपका इनकम टैक्स बना उसके ऊपर आपको फ्लैट जो है 10% की रेट से जो है सरचार्ज भी पे करना पड़ेगा। तो सरचार्ज किसके ऊपर लगता है? सरचार्ज को बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स। तो जो आपका इनकम टैक्स कंप्यूट होता है उसके ऊपर आपको एक टैक्स और पे करना पड़ेगा, डेट इज नोन एज द सरचार्ज। और वो कितना है? अगर इनकम 50 लाख से ऊपर 1 करोड़
तक है तो है सरचार्ज कितना 10%। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ को क्रॉस कर जाए और 2 करोड़ रुपए तक हो तो आपके पास सरचार्ज का जो रेट है वो कितना है आपका 15। लेकिन अब ये 2 करोड़ की जगह जो है वो क्या हो गया 5 करोड़, तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपकी इनकम जो है वो 5 करोड़ को भी जो है वो क्या कर जाए एक्सीड कर जाए तो फिर आपके ऊपर जो सरचार्ज का रेट है वो कितना हो जाएगा 25% का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो सरचार्ज जो है वो कितना है 50 लाख रुपए तक का, तो आपको मैंने बता दिया 50 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम और 1 करोड़ रुपए तक है तो 10%, 1 करोड़ से ऊपर इनकम और 2 करोड़ रुपए तक है तो कितना 15, 2 से ऊपर और 5 करोड़ रुपए तक है तो कितना 25, 5 से ऊपर इनकम हो जाए तो कितना हो जाएगा आपका 37% आपको जो है सरचार्ज पे करना पड़ेगा। मेन बात यह है सरचार्ज जो है वो लगता है किसके ऊपर, इनकम टैक्स पे। इनकम टैक्स लगता है इनकम पे, इनकम टैक्स किस पे लगेगा इनकम पे, लेकिन जो सरचार्ज लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा, जो इनकम टैक्स आपने कंप्यूट कर लिया उसके ऊपर आपको सरचार्ज पे करना पड़ेगा। इसके बाद में गवर्नमेंट ने जो है वो एक नया सेक्शन, सेक्शन 115 BAC 2020 के अंदर जो है वो क्या किया इनकॉर्पोरेट किया था, जो है आपका अल्टरनेट टैक्स रिजाइम। अब अगर मान लो आप ऊपर वाले स्लैब रेट के हिसाब से जो है टैक्स पे करना नहीं चाहते हो तो आप सेक्शन 115 BAC के हिसाब से जो है टैक्स पे कर सकते हो, ये आपको अलग से जो है वो स्लैब रेट प्रोवाइड करवाएगा। तो ये आया कब, पहली बात तो ये सेक्शन जो है सेक्शन 115 BAC अल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल मतलब न्यू टैक्स रिजाइम, ये आया कब आपका 2020 में। इसके लिए जो है आपका टैक्स का जो रेट है वो क्या है, वो है जीरो से, आपका जो स्लैब रेट रहेगा वो ये रहेगा 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक नील, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक 5%, 5 से 7.5 तक 10%, 7.5 से 10 तक 15, 10 से 12.5 20%, 12.5 से लेकर 15 25, और 15 लाख से ऊपर अगर इनकम आपकी इनकम है आपकी तो उसके ऊपर रेट लगेगा कितना 30%। तो अगर कोई इंडिविजुअल ऊपर वाले स्लैब रेट के हिसाब से जो है वो टैक्स पे नहीं करना चाहता, वो इसके हिसाब से करना चाहता है तो वो इसके हिसाब से मतलब सेक्शन 115 BAC को भी जो है वो ऑप्ट कर सकता है, ठीक है जी। इसके बाद अगर आपने सेक्शन 115 BAC को ऑप्ट कर लिया तो कुछ बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो ये है कि रिबेट आपको अभी भी मिलेगा, मतलब आप चाहे नॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से टैक्स पेमेंट कर दो चाहे अल्टरनेट टैक्स रिजाइम ऑप्ट कर लो, आपको टैक्स जो पेमेंट जो है आपकी जो रिबेट होती है सेक्शन 87A के अंदर कितना 12.5 हजार रुपए या 100% वाली, तो ये तो आपको अभी भी अवेल होगा। दूसरा एग्जम्पशन लिमिट जो रहेगा, अब यहाँ पे सबके लिए कितना हो जाएगा 2.5 लाख, चाहे आप सुपर सीनियर सिटीजन हो चाहे आप सीनियर सिटीजन हो, तो आपके लिए वो 3 लाख और 5 लाख वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा, सबके लिए कितना हो जाएगा 2.5 लाख। दूसरा सरचार्ज जो है वो आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है जी। इसके बाद जो है वो अब मेन पॉइंट जो है वो क्या आता है, अगर सैलरीड एम्प्लॉई है और उसने सेक्शन 115 BAC को ऑप्ट कर लिया तो कुछ डिडक्शन जो उसको पहले मिलती थी वो अब उसको अवेल नहीं होंगे। वो क्या क्या है, हाउस रेंट अलाउंस इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगा, LTC लीव ट्रेवल कंसेशन स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 का, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट हो गया, स्पेशल अलाउंस हो गया, अलाउंसेस टू MP MLA और एंटरटेनमेंट अलाउंस, इनकी इन किसी भी इस सभी एलिमेंट्स के लिए आपको कोई भी रिडक्शन जो है वो अवेल नहीं होगी। दूसरा अगर बात करें हम किसके, हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर आपको इंटरेस्ट लोन टेकन फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस जो 2 लाख रुपए तक की रिडक्शन है वो भी आपको नहीं मिलेगी। दूसरा आपके अगर कोई लॉस है हाउस प्रॉपर्टी का, कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस था तो उसको भी जो है उसकी रिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। अदर सोर्स के अंदर आपको जो क्लबिंग की जो रिडक्शन मिलती है वो भी आपको अवेल नहीं होगी, और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है फैमिली पेंशन की 1/3 और 15,000 रुपए पर एनम, तो वो रिडक्शन भी आपको क्लेम नहीं होगी। ATC से ATU की अगर बात करें तो रिडक्शन अगर आपने सेक्शन 115 BAC को ऑप्ट कर लिया तो आप जो है डिडक्शन अंडर सेक्शन ATC से लेके ATU ये रिडक्शन भी आपको अवेल नहीं होगी। तो बेसिकली अगर आपने सेक्शन 115 BAC को ऑप्ट कर लिया तो ये इनमें से कोई भी रिडक्शन आपको जो है अवेलेबल नहीं होगी। वही अगर बात करेंगे नॉन सैलरीड एम्प्लॉय का, तो नॉन सैलरीड पर्सन के लिए जो है वो क्या बोला गया कि हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर आपको ये कुछ प्रोविजन उनकी रिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, अदर सोर्सेज में रिडक्शन नहीं मिलेगा। PGBP हेड के अंदर सेक्शन 10AA जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आपको रिडक्शन मिलती है वो भी आपको अवेल नहीं होगी। एडिशनल डेप्रिसिएशन जो होता है सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 उसकी रिडक्शन आपको क्लेम नहीं होगा। उसके अलावा 32AD 33AB और 33ABA इनकी भी कोई रिडक्शन आपको नहीं, जो स्पेसिफाइड बिजनेस होते हैं इनकी भी कोई रिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। और अगर आपने कोई रिडक्शन लेनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर सैंडिफिक रिजर्व इसकी भी रिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है ना। वही अगर बात करेंगे हम किसका, जो ATC से ATU तो उसमें क्या बोलेगा, रिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर ATC से ATU एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द NPS अंडर द रिडक्शन अंडर द सेक्शन ATJAA एंड रिडक्शन अंडर सेक्शन ATLA ये रिडक्शन भी आपको अवेल नहीं होगा। तो ये लिखा हुआ है कि इफ इंडिविजुअल ऑप्ट करता है अल्टरनेट स्कीम को देन अबव इंसेंटिव विल नॉट अवेलेबल। इसके बाद आता है जी आपको ये रिडक्शन कुछ ऐसी हैं जो आपको अभी भी मिलेंगी, ठीक है ना, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस की रिडक्शन ये आपको अभी भी मिलेगा, कन्वेंस अलाउंस का रिडक्शन अभी भी मिलेगा, कोई और अलाउंस मिला
कॉस्ट ऑफ ट्रेवल के लिए वो रिडक्शन भी मिलेगा, डेली अलाउंस में मिलता है वो उसकी रिडक्शन भी मिलेगी, ATCD2 की रिडक्शन मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन PPF की रिडक्शन मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन सुकन्या समृद्धि अकाउंट की रिडक्शन मिलेगी। इसके अलावा मोर ओवर द फॉलोइंग एग्जेम्पशन विल बी अवेलेबल अंडर सेक्शन 115BAC। ग्रेचुटी के लिए अगर कोई एग्जेम्पशन लिमिट है, मान लो आपने प्रीवियस ईयर में आपको कोई ग्रेचुटी रिसीव हुआ, तो उसके लिए एग्जेम्पशन लिमिट भी आपको मिलेगी। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010A जो कम्यूटेशन और पेंशन रिलेटेड है, इसकी रिडक्शन भी आपको मिलेगी। लीव एनकैशमेंट की रिडक्शन मिलेगी, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन की रिडक्शन मिलेगी। इसके अलावा LIC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपको कोई रिसीव होती है, उसकी रिडक्शन भी आपको जो है वो क्लेम कर सकते हो। NPS की रिडक्शन भी आपको मिलेगा, और अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड से अगर कोई पैसा मिलता है उसकी रिडक्शन भी आपको मिलेगी। वही अगर बात करूं मैं किसका, आपके नॉन सैलरीड पर्सन का, ठीक है ना, अदर देन सैलरीड पर्सन, तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन की रिडक्शन जो है वो आपको मिलेगी। दूसरा पर्सन जिसकी यूनिट जो है वो कहाँ पे IFSC के अंदर है, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर है, ठीक है, तो उनको भी जो है रिडक्शन अवेल होगी। इंटरेस्ट अगर कोई मिलता है PPF के ऊपर, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के ऊपर अगर कोई रिडक्शन मिला, तो इसकी भी रिडक्शन आपको मिलेगी, और इंटरेस्ट सुकन्या समृद्धि इसकी भी रिडक्शन आपको मिलेगी। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिनकी रिडक्शन आपको अभी भी मिलेगी, चाहे आपने सेक्शन 115BAC को ऑप्ट कर लिया हो, ठीक है जी। इसके बाद मेन बात जो है वो ये है, एप्लीकेबल टू AMT, अगर आपने सेक्शन 115BAC को ऑप्ट कर लिया तो आपके ऊपर अल्टरनेट मिनिमम टैक्स AMT के प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है जी। इसके बाद आएगा ऑप्शन अवेलेबल, तो मेन बात ये है कि अगर आप जो है वो नॉर्मल इंडिविजुअल हो, ठीक है, तो आपको हर साल जो है वो क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है, तो आप जो है सेक्शन 115BAC को ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपके पास ऑप्ट आउट, आपने एक बार अगर 115BAC को ऑप्ट कर लिया तो आपको वही जो है वो हमेशा क्या करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। अगर एक बार के लिए आपने जो है उसको पूरा जो सेक्शन 115BAC के प्रोविजन के हिसाब से टैक्स पेमेंट ना करके नॉर्मल तरीके से टैक्स पे किया, तो आप दोबारा उस बिजनेस के लिए 115BAC को ऑप्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने बिजनेस ही चेंज कर लिया तो आप जो है नए बिजनेस के लिए सेक्शन 115BAC को ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है जी। इसके बाद फिर आप आ जाओ जी अपने यहाँ पे सरचार्ज का जो है वो मैंने बता दिया आपको। अगर आपकी इनकम जो है वो 50 लाख रुपए से जो है वो क्या एक्सीड है, 1 करोड़ रुपए तक है, तो सरचार्ज का रेट कितना, 10%। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से जो है वो क्या कर जाए, एक्सीड कर जाए 2 करोड़ रुपए तक है, तो आपका सरचार्ज का रेट जो है वो कितना आपका 15। अगर आपकी इनकम जो है वो क्या 2 से ऊपर 5 करोड़ रुपए तक है, तो सरचार्ज का रेट कितना 25। और अगर आपकी इनकम जो है वो 5 करोड़ से एक्सीड हो जाए, तो जितना भी टोटल टैक्स आएगा उसके ऊपर आपको सरचार्ज पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ कितना, 37%। इसके बाद आपने पढ़ा था जी आपका एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो तो आपको अभी भी लगेगा कितना, 4% की रेट से। तो ये कैसे होता है, पहले पूरा इनकम टैक्स निकाल लो, फिर उसके ऊपर जो है वो आप सरचार्ज जोड़ोगे, और उस टोटल अमाउंट के ऊपर आप जो है वो 4% की रेट से क्या लोगे, HEC आप जो है वो चार्ज करोगे। रिबेट की अगर बात करते हैं तो करंट के अंदर रिबेट का अमाउंट जो है वही चल रहा है कितना, 5 लाख रुपए। अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो 5 लाख रुपए तक है, तो जितना भी आपकी इनकम के ऊपर टैक्स बना वो या फिर 12,500 रुपए, जो दोनों में कम होगा वो क्या हो जाएगा आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए टैक्स क्रेडिट जो है वो कितना है, अगर टैक्सेबल इनकम जो है वो 10,000 रुपए तक है तो टैक्स कितना है, 10%। अगर 10,000 रुपए से ऊपर है, ठीक है, एक्सीड 10 से ऊपर, तो फिर टैक्स रेट जो है वो लगेगा कितना, 1000 प्लस में 20% होता है एक्सेस जो 10 से ऊपर है उसके ऊपर। और अगर आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो 20,000 से क्रॉस हो जाए तो टैक्स कितना आएगा, 3,000, और प्लस में जो भी एक्स्ट्रा जितना क्रॉस हुआ उसके ऊपर कितना, 30% की रेट से, ठीक है जी। इसके बाद आएगा सरचार्ज, आपके जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनके ऊपर सरचार्ज का रेट जो है वो कितना है, 12% है, जितना भी इनकम टैक्स बनेगा उसका 12%, ठीक है जी। HEC 4% की रेट से आपको पे करना पड़ेगा। टैक्स की अगर हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का के ऊपर आपका कंसेशन रेट, तो वो कितना है जी आपका, 22% का। तो बस ये बात ध्यान रखना कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कंसेशन रेट जो है वो कितना आपका, 22% का। इसके बाद फॉर्म या लोकल अथॉरिटी के लिए टैक्स रेट जो है वो कितना है, 30% का। सरचार्ज कितना है, 12%। और ये कब आएगा, अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 1 करोड़ से क्या कर जाए एक्सीड, तो आपको टोटल टैक्स के ऊपर जो है सरचार्ज का पेमेंट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ कितना, 12%। इसके बाद आएगा HEC, वो तो लगेगा लगेगा। डोमेस्टिक कंपनी की अगर बात करते हैं तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट जो है वो कितना है जी आपका, 30% है। अब टर्नओवर बेस अगर लेकिन मान लीजिए 2018-19 के अंदर अगर आपकी टर्नओवर 400 करोड़ थी, तो आपके ऊपर टैक्स रेट जो है वो 30 की जगह जो है लग जाएगा कितना, 25%, ये ध्यान रखना। इसके बाद फॉरेन कंपनी के ऊपर टैक्स रेट जो है वो कितना है आपका, 40%। और फॉरेन कंपनी का सरचार्ज लेकिन कम है, तो सरचार्ज का जो कंडीशन है यहाँ पे वो क्या है कि अगर फॉरेन कंपनी टैक्सेबल इनकम जो है वो 1 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज पे करना पड़ेगा 2%। और अगर फॉरेन कंपनी की टैक्सेबल इनकम जो है वो एक्सीड कर जाए 10 करोड़ से, ठीक है, तो उसको सरचार्ज पे करना पड़ेगा कितना, 5% की रेट से। इसके बाद मार्जिन लिफ्ट हो गया। अब नॉर्मल डोमेस्टिक कंपनी की अगर बात करें तो डोमेस्टिक कंपनी की सरचार्ज का जो रेट है वो कितना है जी, डोमेस्टिक कंपनी की सरचार्ज रेट अगर 1 करोड़ से ऊपर इनकम है 10 करोड़ रुपए तक है तो सरचार्ज कितना, 7। और अगर 10 करोड़ से एक्सीड कर जाए तो सरचार्ज का रेट जो है वो कितना हो जाएगा आपका,
12%। ओके जी सर, तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट। अब करेंगे हमारा चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर टू की अगर बात करते हैं तो चैप्टर नंबर टू है आपका इंट्रोडक्शन का, तो जिसके अंदर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे इनकम टैक्स के कुछ डेफिनेशंस को। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले अपने इंडिया के अंदर इनकम टैक्स की शुरुआत जो है वो किया गया था 1860 में। 1860 के अंदर जो सर जेम्स विल्सन थे तो उन्होंने जो है वो अपने इंडिया में सबसे पहले इनकम टैक्स की शुरुआत करी। तो 1857 के अंदर जो मंगल पांडे जी ने जो मिलिट्री म्यूटनी जो हुई थी तो उससे जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसको बहुत नुकसान हुआ था। उस नुकसान की भरपाई के लिए अंग्रेजों ने जो है वो इनकम टैक्स की शुरुआत की। तो शुरुआत अपने इंडिया के अंदर जो है वो हुई है कब, 1860 के अंदर, ठीक है ना। तो 1857 में जो क्रांति हुई थी उस क्रांति में जो नुकसान हुआ था गवर्नमेंट का तो उसकी भरपाई के लिए जो है अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जो लगा दिया था क्या, इनकम टैक्स, ठीक है। अपने इंडिया के अंदर इनकम टैक्स को गवर्न करने के लिए एक एक्ट बना रखा जिसका नाम जो है वो क्या, इनकम टैक्स एक्ट है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करते हैं तो अपने इंडिया के अंदर इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन करने की जिम्मेवारी दे रखी है सीबीडीटी को, जो कि डिपार्टमेंट है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो है वो एक आपका डिपार्टमेंट कई बने हुए हैं, उसमें से आपका डिपार्टमेंट रेवेन्यू, डिपार्टमेंट रेवेन्यू के अंदर बना रखा हमने एक बोर्ड, उस बोर्ड का नाम जो है वो है क्या, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है जी। अब आता है फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट जो है वो क्या होता है, देखो हर साल जो है इनकम टैक्स में जो भी अमेंडमेंट करनी होती है तो वो करते विद द हेल्प ऑफ द फाइनेंस एक्ट। तो हम लोग जो है वो हर साल फेब के अंदर जो है हमारी जो निर्मला सीतारमन जी है जो कि हमारी एफएम है फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो क्या करती है, वो बजट पेश करती है। और जो बजट पेश किया जाएगा उसके अंदर जो भी अपकमिंग ईयर के लिए जो भी हमने चेंजेस करने हैं टैक्स रेट्स के अंदर या टैक्स स्लैब के अंदर, तो वो सब जो है उसके अंदर डाल दिए जाते हैं। फिर उसको जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाता है और फिर वहां से पास हो जाएगा तो वो जो फाइनेंस बिल होता है जो बजट के अंदर होता है वो बन जाता है आपका फाइनेंस एक्ट, ठीक है जी। इसके बाद जो है वो आएगा कुछ सर्कुलर नोटिफिकेशन। जो आपका इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो टाइम टू टाइम पे सर्कुलर या नोटिफिकेशन जारी करती रहती है, तो ये भी अपने को जो है वो साथ में पढ़ने चाहिए। आप टोटल मिला के अगर बात करते हैं इनकम की, इनकम के ऊपर टैक्स लगाना ना, तो इनकम की बात करें तो इनकम के अंदर 5 हेड की इनकम आती है। मतलब एक पर्सन जो है वो 5 सोर्सेज से इनकम कमाता है। एक है उसका इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैप गेन और अदर सोर्सेज। हाउस प्रॉपर्टी सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी को गवर्न करने के लिए अपने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 15 से 17 दिया हुआ है। हाउस प्रॉपर्टी के लिए सेक्शन 22 से 27 है, पीजीबीपी के लिए सेक्शन 28 से 44 है, कैप गेन के लिए सेक्शन 45 से 55 है और अदर सोर्सेज के लिए सेक्शन 56 से लेकर के सेक्शन 59 तक का है, ठीक है जी। इसके बाद कैसे कंप्यूट करना होता है इनकम को, तो पहले 5 हेड की इनकम को हम लोग जो है वो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जब 5 हेड की इनकम को ऐड करते हैं तो 2 प्रोविजन को और भी ध्यान में रखते हैं, एक होता है आपका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का और एक होता है आपका क्लबिंग का। इन सब प्रोविजन को ऐड करके, मतलब ये इन दोनों बातों को भी ऐड करके, मतलब 5 हेड की इनकम जोड़नी है, उसके अंदर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन को भी आपको जो है वो उसका इफेक्ट लेके आना है और प्लस में क्लबिंग अगर है, क्लबिंग ऑफ इनकम है तो उसके इफेक्ट को भी साथ में लेके आना है। 5 हेड की इनकम जोड़ेंगे तो बनेगा आपका ग्रोस टोटल इनकम, उसमें से जो है माइनस करते हैं रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U, जिसको चैप्टर नंबर 6A की रिडक्शन बोला जाता है। माइनस करने के बाद जो इनकम आएगा उसको बोलते हैं आप लोग क्या, टैक्सेबल इनकम या फिर टोटल इनकम, और उसके ऊपर जो है वो क्या लगता है, टैक्स लगता है, ठीक है। आप टैक्स लगाने के लिए 2 तरह के रेट आपको देखने को मिलेंगे, एक है आपका जनरल रेट, जनरल रेट वो है जो स्लैब रेट हो गया आपका, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, जनरल रेट, और एक होगा जी आपके स्पेशल रेट। स्पेशल रेट जनरली आपको जो है वो देखने को मिलेंगे कहां पे, इनकम टैक्स एक्ट में। जनरल रेट जनरली देखने को मिलेंगे आपको फाइनेंस एक्ट में, और जो स्पेशल रेट होते हैं वो देखने को मिलेंगे कहां पे, इनकम टैक्स एक्ट में। और जो स्पेशल रेट है वो कौन से हैं, जैसे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसके ऊपर 11% की रेट से टैक्स है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को गवर्न करता है अपने इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 111A, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स का रेट कितना है, 20% का। जो लिस्टेड शेयर है विदाउट इंडेक्सिंग वाले, उनके ऊपर अगर कोई गेन कमाया आपने, कैपिटल गेन कमाया, तो उसके ऊपर टैक्स रेट जो है वो कितना, 10% का। और विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, जो कैजुअल इनकम होती है, उसके ऊपर टैक्स रेट जो है वो कितना आपका, 30% का, ठीक है। इसके बाद कुछ डेफिनेशन आपको दे रखी है, सबसे पहले उसके अंदर इनकम का डेफिनेशन। इनकम का मतलब क्या, जो 5 हेड की इनकम होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इनकम। लेकिन इनकम के यहां पे जो स्पेशल बात जो मेरे को पढ़ानी है वो है कॉन्सेप्ट। सबसे पहला इनकम जो है वो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक डेफिनेट सोर्स होना चाहिए। मतलब इनकम जो भी आप कमाएंगे उसको 5 में से किसी ना किसी हेड के अंदर तो आप जो है वो कैटेगराइज करेंगे। दूसरा, इनकम चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, अगर इलीगली भी अगर आपने कुछ पैसा कमाया तो भी गवर्नमेंट बोलती है कि हमको तो उसके ऊपर टैक्स चाहिए। तीसरा, इनकम चाहे आपको रेगुलर मिले चाहे पीरियोडिक मिले, और चाहे लमसम भी अगर मिल रही है तो वो भी जो है वो इनकम का पार्ट माना जाएगा। आगे, इनकम जो है चाहे आपको कैश मिली हो चाहे आपको मिले काइंड में, दोनों ही जो आपकी क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी। चाहे आप अगर आपने इनकम कमा ली, चाहे आपको रिसीव हो चाहे ना हो, तो भी आपको टैक्स का उसके ऊपर जो है पेमेंट करना पड़ेगा। फिर रिसिप्ट ऑन द धर्मादा गौशाला, ये आपकी इनकम नहीं है। और सबसे मेन चीज जो है वो है आपका पिन मनी।
कई बार जो घर में जो लेडीज हैं, जैसे मान लो आपकी मम्मी है, तो आपके पापा जो है वो क्या करते हैं, घर खर्च के लिए आपकी मम्मी को जो है वो कुछ पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो जो पिन मनी जो हाउस होल्ड को जो रिसीव होती है तो वो उसकी इनकम नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना, पिन मनी रिसीव बाय द वाइफ फॉर द पर्सनल एक्सपेंस एंड स्मॉल सेविंग मेड बाय द वुमन आउट ऑफ द मनी रिसीव फ्रॉम हर हस्बैंड फॉर मीटिंग हाउस होल्ड एक्सपेंस इज नॉट हर इनकम। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट केस है आपका डिस्प्यूटेड इनकम का। अगर मान लो किसी इनकम को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है तो किसके हैंड में टैक्सेबल करें, मतलब ए बोल रहे हैं मेरी इनकम है, बी बोल रहे हैं मेरी इनकम है, तो किससे टैक्स लेंगे? तो जो उस टाइम पे अभी डिस्प्यूट चल रहा है, डिस्प्यूट सेटल हो जाए तो बात ही खत्म हो गया। लेकिन अगर डिस्प्यूट चल रहा है और ए क्लेम कर रहे हैं कि मेरी इनकम है, बी क्लेम कर रहे हैं मेरी इनकम है, तो जो उस इनकम को रिसीव कर रहा है करंट के अंदर उसके उससे जो हम टैक्स चार्ज करेंगे। एक वर्ड आता है डाइवर्जन ऑफ इनकम और एक आएगा आपका एप्लीकेशन ऑफ इनकम। पहले बात करूंगा डाइवर्जन का। तो डाइवर्जन की अगर मैं बात करता हूं तो डाइवर्जन ऑफ इनकम के अंदर आता है क्या, अगर मान लीजिए आप जो है वो किसी लीगल ऑब्लिगेशन के कारण अगर आप अपने इनकम का एक पोर्शन जो है वो किसी दूसरे पर्सन के नाम पे ट्रांसफर करते हैं उसको बोलते हैं क्या, डाइवर्जन। जैसे एग्जांपल पहले मैंने क्लास में भी दिया था आपको कि ऋतिक रोशन और सुजैन खान का जो है वो क्या हुआ, डिवोर्स हुआ। और ऋतिक रोशन को मान लो कोर्ट ने ये बोल दिया कि आपको अपने इनकम का 40% देना पड़ेगा सुजैन को, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डाइवर्जन ऑफ इनकम। वही एक होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में जब आप अपनी इच्छा से अगर अपने इनकम का एक पोर्शन किसी दूसरे पर्सन को दे दो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। डाइवर्जन में जितना पार्ट आपने डाइवर्ट कर दिया उसके ऊपर आपको टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एप्लीकेशन के अंदर जितना भी पार्ट आप चाहे दूसरे पर्सन के नाम पर ट्रांसफर करते हो लेकिन उस पूरे अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इनकम का मतलब प्लस माइनस दोनों होते हैं ये तो बता रखा है। जीटीआई क्या है, पांचों हेड की इनकम को जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा आपका क्या, जीटीआई। अब ग्रोस टोटल इनकम और टोटल इनकम में थोड़ा सा डिफरेंस है वो बता देता हूं। देखो पांच हेड की इनकम को जोड़ते हैं तो बनता है आपका जीटीआई और उसमें से अगर डिडक्शन एटीसी से एटीयू माइनस करते तो बनती है आपकी क्या, टोटल इनकम। जीटीआई को हम 10 रुपीज के मल्टीपल में राइट ऑफ नहीं करते लेकिन जो आपकी टोटल इनकम होती है उसको जो है वो 10 रुपीज के मल्टीपल के अंदर राउंड ऑफ करते हैं। टैक्स जो है वो लेवी टैक्स कभी भी जीटीआई के ऊपर नहीं था, टैक्स लगता है हमेशा किसके ऊपर, टोटल इनकम पे। ग्रोस टोटल इनकम जो है वो कभी भी जो है आपकी टोटल इनकम से कम नहीं हो सकती लेकिन जो आपकी टोटल इनकम है वो ग्रोस टोटल इनकम से कम हो सकती है अगर आपने डिडक्शन को भी क्लेम किया है। एग्रीकल्चर इनकम को हम लोग जो है वो जीटीआई में ऐड नहीं करते लेकिन एग्रीकल्चर इनकम को हम लोग टोटल इनकम के अंदर ऐड करते हैं। एक होती है कैजुअल इनकम, जो नॉन रिकरिंग नेचर की इनकम होती है उसको बोलते हैं कैजुअल इनकम, लाइक लॉटरी लग गया ये सब कैजुअल इनकम आपका, लॉटरी का और क्रॉसवर्ड पजल हो गया ये सब। अब इनके लिए कुछ बातें बता रही है। सबसे पहला ये है कैजुअल इनकम के रिस्पेक्ट में क्या कि कैजुअल इनकम के लिए कैजुअल इनकम को कमाने के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया उस खर्चे की आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। दूसरा कैजुअल इनकम से अगर इनकम कमाने के लिए अगर कोई लॉस बियर कर लिया तो उस लॉस को आप सेट ऑफ नहीं करवा सकते हो। तीसरा कैजुअल इनकम अगर आपने 10,000 रुपए से ऊपर कमाया तो 30% की रेट से उसके ऊपर जो है वो फ्लैट क्या कट जाएगा, टीडीएस और टैक्स रेट जो रहेगा वो कितना है, 30% का। पर्सन की कैटेगरी में कौन आएगा, देखो पहले एसएससी की डेफिनेशन होती है। एसएससी का मतलब होता है एसएससी मीन्स ए पर्सन हु इज लायबल टू पे द टैक्स। अब क्वेश्चन होता है पर्सन कौन है, तो पर्सन के अंदर ये सब लोग आते हैं। पर्सन में आएगा आपका इंडिविजुअल, पर्सन के अंदर आएगा आपका एचयूएफ, पर्सन में आती है आपकी कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये सब जो है वो पार्ट है किसका, पर्सन का, ठीक है। इसके बाद आएगा एसएससी, कौन एसएससी, वो पर्सन है एसएससी मींस ए पर्सन जो लायबल है क्या करने के लिए, टैक्स का पेमेंट करने के लिए। डीम्ड एसएससी जो है वो क्या होता है, अगर मान लीजिए कभी ऐसा हुआ ए पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एसएससी, इनकम टैक्स अथॉरिटी अगर उसको एसएससी मान ले, वो है नहीं एक्चुअल में एसएससी लेकिन अगर उसको मान ले एसएससी तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डीम्ड एसएससी। कई बार मान लो आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव और वो इंडिया से बाहर है तो उनकी इनकम के ऊपर टैक्स लगाना है तो वो तो अभी है नहीं यहां पे, तो हम क्या करते हैं, हम आपसे टैक्स ले लेंगे, हम आपको जो है वो एसएससी मान लेंगे, तो आपको हम क्या बोलेंगे, यू आर नॉट द रियल एसएससी, यू आर द डीम्ड एसएससी। और आपको डीम्ड एसएससी की डीम्ड एसएससी की कैटेगरी में आकर के जो है वो आपको दूसरे पर्सन के लिए टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। एक होता है एसएससी डिफॉल्ट, ये कौन होता है, कानून ने आपको कोई बात जो है वो बोली है, कानून ने कोई प्रोविजन आपको बोला था और ये बोला था कि आपको ये कंप्लाई करना पड़ेगा, अगर आप उस प्रोविजन को कंप्लाई ना करो तो आपको बोल देंगे यू आर द एसएससी डिफॉल्ट। एक होता है असेसमेंट ईयर, एक है प्रीवियस ईयर, जिस साल इनकम कमाते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, जिस साल कमाई हुई इनकम के ऊपर टैक्स पेमेंट करते हैं उस साल को बोलते हैं हम लोग क्या, असेसमेंट ईयर। तो जनरली प्रीवियस ईयर से जस्ट अगला साल जो है वो क्या होता है, असेसमेंट ईयर। तो हम लोग जो है वो क्या करते हैं, करंट ईयर के अंदर इनकम कमाते हैं उसके ऊपर टैक्स पेमेंट अगले साल करते हैं। लेकिन पांच केस ऐसे हैं जहां पे आप करंट ईयर में इनकम कमाएंगे तो उसके ऊपर टैक्स पेमेंट भी आपको करंट ईयर में करना पड़ेगा, आपके लिए इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है वो अगले साल का जो है वेट नहीं करेगी। वो पांच जो प्रोविजन है वो क्या, एक्सेप्शन कौन कौन से, सबसे पहला इनकम ऑफ द नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। अगर मान लीजिए कोई एनआरआई है, ठीक है, कोई नॉन रेजिडेंट है, कोई फिरंगी बंदा है और वो अगर इंडिया में आके कोई शिपिंग बिजनेस करता है और इस इंडिया में अगर उसने रेंट के तौर पर कुछ भी पैसा जो है वो क्या किया, कमाया, तो उसके ऊपर जो है उसको इसी साल टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, अगले साल के लिए उसके लिए हम वेट नहीं करेंगे। दूसरा इनकम ऑफ द पर्सन लिविंग इंडिया, अगर कोई पर्सन जो है वो इंडिया को परमानेंटली जो है वो क्या करके जा रहा है, लीव करके जा रहा है, मतलब वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए परमानेंटली इंडिया को छोड़ के जा रहा है, तो
उसके ऊपर भी जो टैक्स लग रहा है मान लो करंट ईयर का, तो करंट ईयर में ही उसके ऊपर हम टैक्स लगा के उसे चार्ज कर लेंगे, अगले साल का असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे। इनकम ऑफ एओपी या बीओआई, अगर आपने एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी एओपी और बीओआई को बनाया था और वो पर्पस इस साल पूरा हो गया, तो हम इसी साल ही उस एओपी से टैक्स ले लेंगे, क्योंकि डिसॉल्व होने के बाद में उसे टैक्स रिकवरी में हमें बहुत दिक्कत आएगी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड द टैक्स, अगर हमने अपने को ये लगता है कि कोई पर्सन जो है वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है टैक्स से बचने के लिए, तो हम अपने रेवेन्यू को नुकसान ना हो इसलिए हम लोग जो है उससे करंट ईयर में टैक्स की डिमांड कर लेंगे, अगले साल का वेट नहीं करेंगे। एंड डिसकंटिन्यूस ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन, अगर कोई पर्सन जो है वो अपने बिजनेस को जो है वो परमानेंटली क्या कर रहा है, डिसॉल्व कर रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग जो है वो करंट ईयर का नेक्स्ट ईयर का वेट ना करके करंट ईयर में ही उसे सारा पैसा जो है वो चार्ज टैक्स का चार्ज कर लेंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखना, इन पांच में से एक ये वाला टॉपिक है कौन सा, डिसकंटिन्यूस वाला। यहां पे इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो अपनी डिस्क्रिशन के बेस पर जो है उसको रिबेट भी प्रोवाइड कर सकता है, उसको अगले साल के लिए भी जो है इंसिस्ट कर सकता है, लेकिन बाकी चारों केस में तो आपको करंट ईयर की इनकम पे करंट ईयर में ही टैक्स लगा के और करंट ईयर में ही चार्ज करना पड़ेगा। इसके बाद है जी आपका पैन। पैन इज द परमानेंट अकाउंट नंबर, कोई भी पर्सन अगर इनकम टैक्स पे करना चाहता है तो उसको सबसे पहले अपने आप को जो है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जब उसका रजिस्ट्रेशन होगा तो उसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, जिसको बोलते हैं आप लोग क्या, पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन को जो है वो आपको जो अपना इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 139 है, जो कि रिलेटेड है आपका रिटर्न ऑफ इनकम से, तो वहां पे जो है रूल 114 डाला गया, वो बोलता है कि कोई भी पर्सन अगर मान लीजिए उसको रिटर्न अगर फाइल करनी है तो उसके पास पहले क्या होना चाहिए, पैन नंबर होना चाहिए। पैन जो है वो 10 डिजिट का एक कोड रहेगा जो अलॉट किया जाएगा एसएससी को, किसके द्वारा, बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है जी, इसके बाद कुछ खास बातें, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन पैन, ये कुछ केसेस है जहां पे आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि आपको जो है पैन कोट करना पड़ेगा। पहला, इफ इनकम एक्सीड एग्जम्पशन लिमिट और टर्नओवर एक्सीड 5 लाख, अगर आपकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर गई या अगर आपकी सेल 5 लाख से ऊपर है तो आपके पास पैन होना चाहिए और आपको मैंडेटरी जो है पैन कोट करना पड़ेगा, मतलब पैन नंबर जो आपको शो करना पड़ेगा। चैरिटेबल ट्रस्ट है तो भी पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन कर रहे हो 2.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा की, तो भी आपके पास में पैन होना चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पर्सन को स्पेसिफाई कर दे तो उसके पास भी पैन होना चाहिए। या अलॉटमेंट बाय द असेसिंग ऑफिसर ऑफ हिज ओन, अगर असेसिंग ऑफिसर खुद अपनी इच्छा से अगर आपको पैन अलॉट करता है तो भी आपको जो है वो हर जगह पे नेसेसरी जहां पे भी होगा वहां पे आपको पैन कार्ड का नंबर जो है वो कोट करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये हो गया चैप्टर नंबर सेकंड। अब आएगा चैप्टर नंबर थर्ड, दैट इज द रेसिडेंस एंड द टैक्स लायबिलिटी। देखिएगा, अगर बात करूंगा चैप्टर थर्ड का रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी का, तो एक बार ध्यान रखिएगा, इंडिया के अंदर किसी भी पर्सन के ऊपर जो टैक्स लगता है वो लगता है उस किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ हिज रेसिडेंशियल स्टेटस, उसकी सिटीजनशिप के बेस पर नहीं लगता। मतलब वो कहां का निवासी है, वो मतलब ये नहीं देखते वो बंदा है कहां का, उसकी पैदाइश कहां की, हम ये देखते हैं कि वो रेसिडेंट कहां का है। ठीक है ना, तो इंडिया में टैक्स लायबिलिटी जो क्रिएट होती है किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंट। ठीक है जी, तो रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों जरूरी है इंडिया में, अगर आपको इनकम टैक्स लायबिलिटी अगर आपको क्या करनी है, कंप्यूट करनी है किसी पर्सन की, तो उसके लिए पहले आपको उसका रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो पता होना क्या है, जरूरी है। ठीक है जी, आप रेसिडेंशियल स्टेटस उतर के पहले अदर देन इंडिविजुअल के अलावा पहले इनकी बात कर लेते हैं। फॉर्म एचएफ एओपी और बीओआई, ये कोई भी फॉर्म है, कोई भी एचएफ है, कोई भी एओपी है, कोई भी बीओआई है, इसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिपेंड करता है किसके ऊपर, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पे। अगर किसी भी एचयूएफ का, किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म का जो है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो कहां पे, इन इंडिया है, तो वो क्या होगी, रेजिडेंट होगी। और अगर उसका कंट्रोल आउटसाइड इंडिया है, होली आउटसाइड इंडिया, तो वो क्या होगी, आपकी नॉन रेजिडेंट होगी। तो मतलब एक एचयूएफ या फिर कोई फॉर्म जो है वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कि उसका मैनेजमेंट या कंट्रोल कहां पे है। अगर उसका मैनेजमेंट कंट्रोल थोड़ा सा भी इंडिया में ना, तो भी वो क्या हो जाएगी, रेजिडेंट होगी, क्योंकि ये बोलता है या तो पूरा का पूरा इंडिया में हो या पार्शली भी अगर इंडिया में उसका कंट्रोल है तो भी वो क्या होगी, रेजिडेंट होगी। और अगर उसका पूरा कंट्रोल जो है वो कहां है, आउटसाइड इंडिया है, तो फिर वो क्या होगी, नॉन रेजिडेंट होगी। वही अगर बात करूंगा कंपनी का, कंपनी दो तरह की होती है, एक होती है आपकी इंडियन डोमेस्टिक कंपनी, एक आपकी फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी हमेशा ही जो है वो क्या रहेगी, रेजिडेंट रहेगी। लेकिन अगर बात करूं फॉरेन कंपनी का, तो फॉरेन कंपनी के लिए हम लोग जो है वो चेक करते हैं पोएम। पोएम का मतलब है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो अगर किसी भी फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो कहां पे, इन इंडिया है, तो वो फॉरेन कंपनी जो है वो क्या होगी, रेजिडेंट होगी, नहीं तो वो क्या हो जाएगी, नॉन रेजिडेंट। बाइफरकेशन करना जरूरी इसलिए क्योंकि डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट जो है वो अलग है और फॉरेन कंपनी के लिए टैक्स रेट जो है वो क्या है, अलग है। ठीक है, अब बात करेंगे इंडिविजुअल का। एक इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस की अगर बात करता हूं, तो हम यहां पे ये बोलते हैं इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो दो तरीके से होगा, या तो एक इंडिविजुअल जो है वो कौन होगा जी, रेसिडेंट होगा, या फिर वो कौन होगा, नॉन रेसिडेंट होगा। अगर वो रेसिडेंट है तो फिर या तो वो होगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या फिर होगा कौन, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, एक इंडिविजुअल की अगर बात करते हैं तो इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो दो तरीके से होगा, या तो वो होगा रेसिडेंट,
या होगा नॉन रेजिडेंट। अगर नॉन रेजिडेंट तो बात ही खत्म हो गया, लेकिन अगर वो रेसिडेंट है तो फिर उसका स्टेटस जो है वो दो तरीके का, या तो होगा वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट या फिर कौन होगा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है जी। अब एक इंडिविजुअल का रेसिडेंट होना है नॉन रेसिडेंट होना डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, बेसिक कंडीशन। दो बेसिक कंडीशन है, अगर कोई इंडिविजुअल उन दो में से कोई एक बेसिक कंडीशन को भी फुलफिल कर दे तो उसको हम लोग जो है वो क्या बोल देंगे, रेसिडेंट। दो बेसिक कंडीशन कौन सी है कि रेलिवेंट प्रीवियस जो आपका प्रीवियस ईयर है, मतलब जिस साल आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लगाना है, अगर आप प्रीवियस ईयर के अंदर आपने इंडिया के अंदर 182 दिन या उससे ज्यादा स्टे किया है तो पहली कंडीशन है ये। ठीक है ना, तो पहली कंडीशन क्या बोलती है, अगर आपने प्रीवियस ईयर के अंदर 182 दिन या उससे ज्यादा स्टे किया है तो हम आपको रेसिडेंट बोल देंगे। या अगर आपने प्रीवियस ईयर के अंदर तो 60 दिन और उससे पीछे के 4 सालों में 365 दिन अगर इंडिया के अंदर जो है वो क्या किया, स्टे किया, तो भी हम आपको जो है वो क्या बोल देंगे, रेसिडेंट बोल देंगे। ठीक है जी। तो रेसिडेंट एक इंडिविजुअल का रेसिडेंट होना या नॉन रेसिडेंट होना डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन टोटल लगे कितने, दो। पहली क्या है कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर आपने 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में क्या स्टे, और दूसरी कंडीशन जो है वो क्या, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर तो आपने जो है वो 60 दिन और उससे पीछे के 4 सालों में 365 दिन आपने इंडिया में जो है वो क्या किया हो, स्टे किया हो। ठीक है जी। अब ये जो कुछ लोग ऐसे हैं उनके लिए जो है वो 182 वाली कंडीशन जो है, मतलब 60 दिन वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है उनके लिए, उनका रेसिडेंट होना या नॉन रेसिडेंट होना जो है वो 182 दिन वाली कंडीशन के ऊपर ही जो है वो आपका एप्लीकेबल होगा। वो कौन कौन है, अगर मान लो कोई पर्सन जो है वो इंडियनशिप का मेंबर है, ठीक है ना, तो उसका रेसिडेंट होना नॉन रेसिडेंट होने के लिए 60 दिन वाली कंडीशन को अपने चेक नहीं करना, उसका रेसिडेंट होना नॉन रेसिडेंट होना डिपेंड करता है किसके ऊपर, 182 डेज की कंडीशन के ऊपर ही। ठीक है। दूसरा, अगर कोई मान लीजिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया के अंदर जो है वो विजिट करता है ओकेशनली, इंडिया के अंदर आता है, तो उसका रेसिडेंट होना या नॉन रेसिडेंट होना जो है वो भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, 182 दिन की कंडीशन के ऊपर। लेकिन अगर ऐसा कोई पर्सन, ठीक है ना, जो इंडिया में विजिट करता है और इंडिया में आकर के अगर वो 15 लाख रुपए तक की इनकम कमा लेता है, तो फिर 182 की जगह अगर उसने 120 दिन भी इंडिया के अंदर जो है वो स्टे किया तो भी हम उसको जो है वो क्या बोल देंगे, रेसिडेंट बोल देंगे। तो ये इसके अंदर जो है वो नई जो है वो अमेंडमेंट आई थी, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है ना, तो 120 दिन वाली कंडीशन का क्या है, अगर कोई पर्सन इंडिया के अंदर आया और इंडिया में आके 15 लाख से ऊपर की अगर उसने इनकम कमा ली तो वहां पे 182 की जगह सिर्फ 120 दिन वाली कंडीशन भी अगर उसने फुलफिल कर दिया तो भी उसको हम लोग क्या बोल देंगे, रेसिडेंट बोल देंगे। ठीक है। अब अगर आप रेसिडेंट बन गए तो या तो आप क्या बनोगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या फिर क्या बनोगे, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो आपका रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन टोटल मिला के कितनी है, दो। अगर आपने दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो आप बन जाओगे जी ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और अगर आपने दो में से किसी एक को सेटिस्फाई किया या एक को भी सेटिस्फाई नहीं किया तो आप बन जाओगे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है जी। अब वो दो कंडीशन कौन सी है, वो दो कंडीशन ये है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से पीछे के 10 सालों में कम से कम 2 साल जो है वो आप क्या रहे हो, रेजिडेंट। तो पीछे के 10 सालों में से कम 2 साल जो है आप क्या रहे हो, रेजिडेंट। और रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के से पीछे के 7 सालों में कम से कम 730 दिन आपने इंडिया में क्या किया, स्टे। ये दोनों कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कर दोगे तो हम आपको बोल देंगे यू आर द ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और दो में से एक भी कंडीशन अगर आपने सेटिस्फाई नहीं किया या एक ही किया तो आप बन जाओगे कौन, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है जी। तो यहां पे हमने देखा समअप करके, इंडिविजुअल कैन इधर भी, इंडिविजुअल या तो कौन होगा, रेसिडेंट होगा, या डीम टू बी रेसिडेंट होगा, और या फिर कौन होगा, नॉन रेसिडेंट होगा। मतलब या तो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट या फिर कौन, ऑर्डिनरी। तो ये डीम टू बी रेसिडेंट वाली कंडीशन जो है ये भी, ये कौन हो गए, ये हुआ ऑर्डिनरी रेसिडेंट, वो 15 लाख रुपए वाला केस बता रहा हूं मैं। ठीक है ना। तो रेसिडेंट कौन होगा, अगर आप रेसिडेंट बन गए तो या तो आप क्या बनोगे, अगर रेसिडेंट बन गए या तो ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी। तो आपका रेसिडेंट होना या नॉन रेसिडेंट होना डिपेंड करता है किसके ऊपर, बेसिक कंडीशन। अगर बेसिक कंडीशन में से किसी एक बेसिक कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दिया देन यू आर द रेसिडेंट, और बेसिक कंडीशन में से दोनों को सेटिस्फाई कर दिया देन यू आर द रेसिडेंट, और बेसिक कंडीशन में से किसी एक को भी सेटिस्फाई नहीं किया देन यू आर द नॉन रेसिडेंट। ठीक है जी। अब अगर आप रेसिडेंट बन गए तो या तो बनोगे आप क्या, ऑर्डिनरी, या बनोगे नॉट ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी रेसिडेंट किसको बोलेंगे, अगर कोई इंडिविजुअल जो है दो एडिशनल कंडीशन उन दोनों को ही सेटिस्फाई करे, एंड लिखा हुआ है, एंड और नहीं है, एंड, तो फिर आप कौन बन जाएंगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। दो कंडीशन क्या है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से पीछे के 10 सालों में से कम 2 साल रेजिडेंट रहो, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से पीछे के 7 सालों में कम से 730 दिन इंडिया में स्टे किया हो तो हम आपको कौन बोल देंगे, यू आर द ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बात खत्म हो गया। अब नॉट ऑर्डिनरी कब बोलेंगे, जब तीन बातें हैं। पहली बात जो है वो तो क्या है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से पीछे के 7 सालों में आपने 730 दिन इंडिया में स्टे ही नहीं किया, या रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से पीछे के 10 सालों के अंदर जो है वो आप एक ही साल जो है वो क्या रहे, रेजिडेंट रहे, एक साल भी जो है वो रेजिडेंट नहीं रहे, तो आपको बोल देंगे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और जो वो पर्सन है जो इंडिया में कभी कभार इंडिया में आता और इंडिया में आके अगर उसने 15 लाख रुपए से ऊपर की इनकम कमा ली तो उसको भी हम लोग जो है वो क्या बोल देंगे, नॉट ऑर्डिनरी
प्रेसिडेंट बोल देंगे, ठीक है ना। तो इसमें तीन आएंगे, एक तो वो जो 10 में से 9 साल तो वो नॉन रेजिडेंट रहा, या पिछले रेलिवेंट पीवीसी से पीछे के 7 सालों में 729 दिन ही सिर्फ उसने इंडिया में स्टे किया, 730 दिन नहीं किया, और या फिर अगर कोई पर्सन इंडिया के अंदर आया और उसने 15 लाख रुपए इंडिया में कमाए तो उसको भी हम लोग जो है वो क्या बोल देंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है जी। अब यहां पे जो है वो एक होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये कौन होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एक ऐसा पर्सन होगा जो जिसने खुद ने या उसके मम्मी पापा ने या मम्मी पापा के मम्मी पापा ने मतलब उसके दादा दादी ने या नाना नानी ने अगर अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर जो है वो क्या लिया, जन्म लिया। अनडिवाइडेड इंडिया क्या, जो 15 अगस्त इंडिया जो है 15 अगस्त 1947 को डिवाइड हुआ इंडिया पाकिस्तान जो अलग हो गया था, तो 15 अगस्त 1947 से पहले मतलब 14 अगस्त 1947 तक अगर आपने खुद ने या आपके पेरेंट्स ने या आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स ने अगर अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर जो है वो क्या लिया, बर्थ लिया, तो आपको बोल देंगे यू आर द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है ना जी सर। अब रेसिडेंशियल स्टेटस तो आपने ढूंढ लिया, अब इसका फायदा जो है वो क्या है, देखिएगा सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो लगता है किसके ऊपर, आपके ऑर्डिनरी रेसिडेंट के ऊपर। सबसे कम टैक्स लगता है किसके ऊपर, आपके नॉन रेसिडेंट के ऊपर। तो दो तरह की इनकम होती है, एक होती है आपकी इंडियन इनकम और एक आपकी फॉरेन इनकम। पहले तो बात कर लो इंडियन इनकम का, तो इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल है। इंडियन इनकम कौन सी इनकम होती है, कोई भी इनकम जो इंडिया में एक्रू हुई या इंडिया के अंदर रिसीव हुई है, दोनों में से चाहे एक हुई या दोनों में से, इंडिया में एक्रू और रिसीव हुई या इंडिया में सिर्फ एक्रू हुई रिसीव बाहर हुई या इंडिया में रिसीव हुई एक्रू बाहर हुई, कोई चक्कर नहीं है। अगर कोई इंडिया कोई इनकम इंडिया में एक्रू होती है या इंडिया में रिसीव होती है तो उस इनकम को बोल देंगे इंडियन इनकम, और इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल है, चाहे आप हो रेसिडेंट चाहे आप हो नॉन रेसिडेंट। लेकिन अगर बात करूंगा फॉरेन इनकम का, तो फॉरेन इनकम पहली बात, फॉरेन इनकम जो है नॉन रेसिडेंट पर्सन के लिए जो है वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। फॉरेन इनकम ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए जो है वो फुली क्या है, टैक्सेबल। मतलब नॉन रेसिडेंट के लिए इंडियन इनकम फुली टैक्सेबल है, फॉरेन इनकम पूरी एग्जेम्प्ट है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए इंडियन इनकम हो चाहे फॉरेन इनकम, दोनों के दोनों क्या है, टैक्सेबल है। लेकिन जो हमारे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उसके लिए इंडियन इनकम तो फुली टैक्सेबल है, लेकिन फॉरेन इनकम है वो फॉरेन इनकम जो बिजनेस की इनकम है और वो बिजनेस कंट्रोलर है कहां से, इंडिया से, सिर्फ वो टैक्सेबल है। उसके अलावा जितने भी हेड से इनकम आती है, चाहे आपकी आ रही है सैलरी हेड से, चाहे आ रही है आपकी हाउस प्रॉपर्टी से, चाहे आ रही है आपकी कैपिटल गेन से, चाहे अदर सोर्स से, वो सारी इनकम जो है वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है जी। इसके बाद फिर अब ये आएगा जी जो मेन चीज है, डेट इज द स्पोर्ट्समैन का, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, इधर आ जाओ। टैक्सेशन ऑफ द एनआर स्पोर्ट्समैन, अगर मान लो कोई नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन लाइक एडम गिलक्रिस्ट हो गया, या फिर मान लो उसेन बोल्ट हो गया, या फिर क्रिस गेल हो गया, अपने इंडिया के अंदर आईपीएल होता है तो भारत से बहुत सारे प्लेयर जो है वो इंडिया के अंदर आते हैं और इंडिया के अंदर खेलते हैं, तो अब वो देखो वो आएंगे इंडिया में थोड़े दिनों तक रहेंगे और खेल के फिर चले जाएंगे, तो इंडियन इनकम इंडियन गवर्नमेंट ने जो है उनके लिए एक प्रोविजन बनाया और उन्होंने ये बोल दिया कि आप अगर इंडिया में आते हो, इंडिया में आके क्या करते हो, कोई भी नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन इंडिया के अंदर आता है, किसी गेम में पार्टिसिपेट करता है या इंडिया में कोई एडवर्टीजमेंट करता है या किसी भी आर्टिकल या गेम या न्यूज़पेपर के अंदर क्या करता है, कोई भी कंट्रीब्यूशन करता है, तो जितना भी आप पैसा कमाएंगे उसका फ्लैट 20% आपको जो है वो टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। या कोई भी नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन जैसे आपका आईसीसी हो गया, वो अगर इंडिया के अंदर आके कोई भी इवेंट करती है, या अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर ठीक है बाहर का, जैसे अभी कुछ आई थिंक 2-3 साल पहले जो है जस्टिन बीबर जो है वो अपने इंडिया के अंदर आया, उसने शो किया, एक बार एकॉन जो है वो इंडिया के अंदर आया, उसने शो किया था। तो अगर मान लो कोई बाहर के कोई पर्सन इंडिया के अंदर आते हैं और आके जो है वो इंडिया में क्या करते हैं, शो करते हैं, शो करने के बाद यहां से कोई पैसा कमाएंगे, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको क्या बोल दिया कि जितना भी आपको ग्रोस अमाउंट मिलेगा उसमें से फ्लैट 20% आपको जो है वो टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, कोई भी रिडक्शन जो है खर्चे के रिगार्डिंग आपको नहीं दी जाएगी, और टीडीएस का जो है वो रेट वो क्या रहेगा, 20% रहेगा, और रिटर्न ऑफ इनकम आपको फाइल करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने टीडीएस है वो आपकी इनकम मतलब आपको जो इनकम मिली है उसको पे करने से पहले जो डिडक्टिव था उसने टीडीएस काट लिया, तो फिर आपको अलग से रिटर्न ऑफ इनकम जो फाइल करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मेन बात तो ये है टैक्स का रेट वो कितना रहेगा आपका, 20% का। ओके जी सर, लो जी हो गया चैप्टर नंबर थर्ड। अब आएगा जी आपका चैप्टर नंबर 4, डेट इज द एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम की अगर बात करें तो सबसे पहले जो है वो क्या है, एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंदर जो है वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, एग्जेम्प्शन प्रोवाइड करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो एक अलग से जो है वो रूल निकाला हुआ है, तो वो हम देखेंगे। पहले तो एग्रीकल्चर इनकम जो है वो क्या है, एग्रीकल्चर इनकम जो है डेफिनेशन जो है वो एग्रीकल्चर इनकम की बहुत ही जो है वो क्या है, वाइड है। तो बोलता है डेफिनेशन इज वेरी वाइड एंड कवर द इनकम इज नॉट ओनली द कल्टीवेटर बट ऑल्सो द लैंड होल्डर हु माइट हैव रेंटेड आउट द लैंड। एग्रीकल्चर इनकम मे बी रिसीव इन कैश और इन
काइंड। एग्रीकल्चर इनकम तीन तरीके से हम कमाते हैं। सबसे पहला तो अगर आपको कोई भी रेंट या रेवेन्यू मिलता है, अगर आपके पास में कोई प्रॉपर्टी थी और आप प्रॉपर्टी नहीं आपके पास कोई लैंड थी और वो लैंड आपने जो है वो ठेके के ऊपर दे दी और ठेके की इनकम जो आपको आ रही है, मान लो उसके ऊपर कोई दूसरा पर्सन ने खेती कर रहा है और वहां से आपको अगर कोई ठेके की इनकम मिलती है तो वो भी आपके लिए एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। दूसरा, अगर आप खुद वहां पे जो है वो क्या कर रहे हैं उसके ऊपर कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं, वहां से अगर कोई पैसा कमाएंगे तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम है और वो भी आप वो एग्रीकल्चर इनकम कैटेगरी में आएगी। और तीसरा जो है वो क्या होता है, कोई भी अगर आपने जो है बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट करी है और वहां पे मतलब एज ए फार्म हाउस के तौर पे यूज करते हो, मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका स्टोर करने का काम करते हो, तो ये तीनों तरह की जो इनकम है इनको बोलते हैं हम लोग के एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है जी, अब यहाँ पे स्पेशल बात जो है वो क्या, एग्रीकल्चर अगर आपने कोई इनकम डिराइव करी है फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एक्टिविटी करके, या तो चाहे आपने बेसिक ऑपरेशन किया या सब्सिक्वेंट ऑपरेशन से भी अगर आप कोई पैसा कमाओगे वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। ठीक है जी, जैसे ये होता है ना वैक्सीन की इनकम हो गया, ये सब आपको मैंने बताया था कि जो फ्रूट्स होते हैं उनके ऊपर जो है वो केमिकल लगाया जाता है ताकि उसको लंबे समय तक प्रिजर्व कर सके, तो उसको वैक्सीन बोलते हैं। ठीक है ना, वैक्सीन कर दिया हमने उसको, वैक्स लगा दिया उसके ऊपर, तो वो अगर आपका वो करने का भी काम है ना तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। इसके अलावा जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो कुछ रूल निकाले हैं एग्रीकल्चर इनकम के लिए, चार रूल है, रूल नंबर 7, रूल 7A, 7B और रूल नंबर 8। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि कई बार हम ऐसा काम करते हैं जिसमें से उसका कुछ पार्ट जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी माना जाता है और कुछ जो है वो बिजनेस पार्ट माना जाएगा, तो ऐसे केस के लिए गवर्नमेंट ने अलग से रूल निकाल दिया। ठीक है ना, सबसे पहला इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट, अगर आप कोई ऐसा फिनिश गुड्स बना रहे हो, ऐसा फिनिश गुड्स बना रहे हो जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, लेकिन उसको वो जो बना है वो बनाया रॉ मेटेरियल से और वो रॉ मेटेरियल भी आपने बनाया और वो रॉ मेटेरियल क्या था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था, तो इसमें दोनों चीजें आ गई, मतलब आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी कर रहे हो और आप बिजनेस भी कर रहे हो, दोनों चीजें कर रहे हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है वो अलग से क्या बना दिया, रूल बना दिया। तो उसके लिए जो है वो आपका सबसे पहले रूल नंबर 7, रूल 7 ये बोलता है कि अगर मान लीजिए आप जो है वो जैसे शुगर की बात करते हैं तो आपने चीनी बनानी, लेकिन चीनी बनाने के लिए आपने गन्ना खुद उगाया, तो अब आपकी कितनी इनकम जो है बिजनेस इनकम माने, कितनी एग्रीकल्चर माने, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि आपके सारी इनकम बिजनेस मानी जाएगी, लेकिन जो गन्ना आपने यूज किया अपनी मान लीजिए आपने अपने लैंड के ऊपर जो है गन्ना उगाया था और वो गन्ने को आपने यूज कर लिया अपने मील के अंदर, ठीक है, तो उस गन्ने की मार्केट वैल्यू की आपको जो है वो क्या मिल जाएगी, रिडक्शन मिल जाएगी। दूसरा जो है वो है क्या, रूल 7A, वो है इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द रबड़, अगर आपने जो है वो क्या किया, रबड़ उगाया और रबड़ उगा के जो है उसकी खेती करी पहले और फिर रबड़ बना के मार्केट के अंदर क्या किया, सेल किया, तो जितना भी पैसा कमाओगे उसमें से फ्लैट 65% आपका एग्जेम्प्ट होगा, 35% आपकी जो है वो क्या होगी, एग्रीकल्चर इनकम होगी। अगर फिर रूल 7B वो है आपका कॉफी से रिलेटेड, इसमें दो केस बनते हैं, अगर आपने कॉफी को सिर्फ ग्रो किया और क्योर कर लिया तो जितना भी पैसा कमाएंगे उसका 75% आपकी एग्रीकल्चर इनकम है और 25% आपकी बिजनेस इनकम है, और अगर आपने कॉफी को जो है वो ग्रो किया, ग्रो करने के बाद क्योर किया, फिर उसको रोस्ट किया और फिर आपने उसको जो है वो क्या किया, ग्राउंडेड किया, तो टोटल जो भी पैसा कमाएंगे उसका 60% आपकी एग्रीकल्चर इनकम और 40% आपकी बिजनेस इनकम है। फिर टी के रिस्पेक्ट में जो है वो क्या, अगर आपने टी उगाई है और उगा के मार्केट के अंदर जो है वो क्या किया, उसका मैन्युफैक्चर करके सेल किया, तो फिर उस केस के अंदर जितना भी आप पैसा कमाएंगे उसका फ्लैट 60% जो है वो आपकी एग्जेम्प्ट है और 40% आपकी जो है वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी। ठीक है जी, इसके बाद आएगा जी ये, अगर आपकी वो जो एग्रीकल्चर लैंड वो इस एरिया के अंदर आ रही है, ठीक है ना, तो फिर वो आपकी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो है वो मानी जाएगी, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ठीक है ना। इसके बाद था आपका, हाँ ये पार्शियल इंटीग्रेशन, अब एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट करने के लिए गवर्नमेंट का अलग तरीका है, गवर्नमेंट ये बोलते हैं अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5,000 रुपए से ज्यादा है, पूरे साल की एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है, और अगर आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है मतलब बिजनेस इनकम जो है या फिर कोई भी सैलरी का इनकम या कोई भी इनकम अगर वो आपकी जो है वो मिनिमम एग्जेम्प्शन लिमिट से ज्यादा है, तो एक बार एग्रीकल्चर इनकम को आपकी टोटल इनकम के अंदर ऐड किया जाएगा, उसके ऊपर टैक्स निकाला जाएगा, फिर उस एग्रीकल्चर इनकम पे अलग से टैक्स निकाला जाएगा और जो टैक्स अलग से निकला है उसको पहले वाले में से माइनस करके वो आपका फाइनल टैक्स पेमेंट बनेगा। तो ये ध्यान रखना, एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम में जोड़ना तभी है अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है और आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो मिनिमम एग्जेम्प्शन लिमिट जो कि 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख रुपए होती है उससे क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है जी, इसके बाद एग्रीकल्चर इनकम में आएगा तीन तरह की इनकम, आपको मैंने बता दिया, कोई भी रेंट या रेवेन्यू अगर डिराइव किया आपने किसी लैंड से वो, दूसरा जो है वो कहेगा अगर आपने कोई भी इनकम डिराइव किया फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर ऑपरेशन करके, ठीक है, या आपकी जो फार्म हाउस की इनकम होती है वो भी आपकी क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है। एक बात ध्यान रखना, अगर आपने एग्रीकल्चर लैंड को सेल करके
सेल किया और वहां से अगर कोई कैपिटल गेन कमाया तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, वो आपकी कैपिटल गेन में ट्रीट होगा, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि क्या वो कैपिटल एसेट है या नहीं है। अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है उसको अगर आपने बेचा तो वो कैपिटल एसेट मानी जाती है और उसको बेचने पर कैपिटल गेन राइज होगा, लेकिन अगर आपके रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको बेचने पर कोई भी कैपिटल गेन आपका राइज नहीं होगा क्योंकि वो कैपिटल एसेट ही नहीं है। इसके बाद में आएगा आपका काइंड ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, बता दिया कोई भी रेंट रेवेन्यू ड्राइव तो लैंड से या कोई एग्रीकल्चर ऑपरेशन से कोई पैसा मिला या इनकम फ्रॉम मेकिंग प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट या इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोड्यूस या इनकम फ्रॉम फार्म हाउस या इनकम फ्रॉम सैपलिंग और सीडलिंग, ये सब इनकम जो है वो कौन सी आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है जी, इसके बाद कुछ खास बात है, ये सब इनकम जो है आपको जो है ये सब बातों को आपको जो है वो क्या करना है, ध्यान में रखना है, थोड़ा देख लेना। एग्रीकल्चर इनकम भाई वो रेंट रेवेन्यू जो कहां पे है सिचुएट इन इंडिया और उसे एग्रीकल्चर पर्पज के लिए अगर आप क्या कर रहे हो यूज कर रहे हो इस कंप्यूटर, अगर वो मतलब वो चार्जेबल जो है वो कहां पे होगा, मतलब एग्रीकल्चर इनकम को जब आप जोड़ेंगे तो उसको कहां दिखाएंगे, एक बार वो दिखाओगे आप कहां पे आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। दूसरा, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर बिल्डिंग इज कंप्यूटेड एज इफ इट वर चार्जेबल टू द इनकम टैक्स अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, एनी अदर एग्रीकल्चर इनकम इज कंप्यूट एज इफ इट वर चार्जेबल टू इनकम अंडर द हेड पीजी बीपी। तो ये बात थोड़ा सा आपको जो है कुछ खास बातें जो ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन कुछ इनकम ऐसी जो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है वो कौन कौन सी, इनकम फ्रॉम मार्केट, इनकम फ्रॉम स्टोन करी, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, इनकम फ्रॉम लैंड यूज फॉर स्टोर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इनकम फ्रॉम लैंड है, अगर इनकम फ्रॉम बिल्डिंग होता ना तो वो फार्म हाउस की इनकम है और वो आपकी क्या होती एग्जम्प्ट होती, वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है, लेकिन ये इनकम फ्रॉम लैंड है। इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस, इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोन ग्रास, अगर कोई घास खुद से उगे उसको काट के अगर आपने मार्केट में बेचा और कोई पैसा कमाया तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। इनकम फ्रॉम फिशरी, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ अर्थ एंड द ब्रिक मेकिंग, जो आप ईट बनाने का काम करते हो ये भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। रेमुनरेशन रिसीव एज मैनेजर ऑफ द एग्रीकल्चर फार्म, डिविडेंड फ्रॉम ए कंपनी एंगेज इन एग्रीकल्चर, इनकम ऑफ द बायर ऑफ द रिप क्रॉप, इनकम फ्रॉम डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्मिंग एक्सेट्रा एंड इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ द रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ये सब जो इनकम है ये सब इनकम आपकी जो है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, ये सब क्या है नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। ओके जी सर, लो जी ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 4, अब करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी का। अगर सैलरी पार्ट की बात करते हैं तो सैलरी के अंदर बेसिकली क्या आएगा, अगर एक मतलब ये पहला हेड है, पहली बात तो ये सैलरी जो है वो फर्स्ट हेड है आपका इनकम का, और सैलरी के अंदर कौन सी इनकम आती है, अगर किसी पर्सन ने जो है वो दूसरे पर्सन के पास में कोई एम्प्लॉयमेंट किया, ठीक है, कोई नौकरी करी है तो नौकरी करने पर उसको अपने एम्प्लॉयर से जो कुछ भी पैसा मिलता है वो सब आएगा किसके अंदर, आपके सैलरी में आएगा। तो सैलरी के लिए पहले इंट्रोडक्टरी प्रोविजन कुछ दिया हुआ है, सबसे पहला तो ये है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, तो किसी भी इनकम को सैलरी हेड में कैटेगराइज सभी करेंगे अगर उस पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ में जिससे पैसा मिला उसके साथ में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है। दूसरा सबसे मेन बात यहां पे ये है कि एमपी और एमएलए को जो सैलरी मिलती है वो इनके सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, वो जाएगी इनके कहां पे अदर सोर्स में, क्यों, क्योंकि एमपी एमएलए को जो सैलरी मिलती है ना वो मिलती तो है सरकार से, लेकिन उसका अपॉइंटमेंट एमपी एमएलए को सरकार नहीं लगाती, उसका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, लोग करते हैं, लोग एमपी एमएलए को जिताते हैं तो जाके उनको जो है वो सरकार के अंदर जो है भर्ती होते हैं और वहां से उनको जो है वो क्या मिलती है सैलरी। तो ये बात ध्यान रखना एमपी एमएलए को मिलने वाली सैलरी जो है वो उनके वो अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा ना कि सैलरी हेड में। दूसरा प्लेस ऑफ एक्रूवल ऑफ सैलरी इनकम, तो वो कॉमन जहां पे आपने जो है वो क्या करी है, जहां पे आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी है वो उसको प्लेस माना जाएगा कि आपने उस प्लेस पे मतलब उस प्लेस को जो है वो प्लेस ऑफ एक्रूवल माना जाएगा। चार्जेबिलिटी ऑफ सैलरी जो है वो क्या बोलते हैं कि सैलरी चार्जेबल जर्नी जो है वो होगा किस बेसिस पे, ड्यू बेसिस पे, वैसे तो ये बोलते हैं ड्यू या रिसीव विच आर अर्लियर, लेकिन हम ये बोलते हैं कि अगर मान लो सैलरी आपका ड्यू तो हो गया लेकिन अगर आपको रिसीव नहीं हुआ तो अगर ड्यू हो गया ना तो भी हम जो है उसके ऊपर आपका टैक्स कंप्यूटेशन करवा लेंगे। इसके बाद जो मेन सेक्शन है वो मैं आपको बता देता हूं, अब यहां पे आ जाओ। अब सैलरी के लिए हम लोग जो वो क्या करते हैं, जो भी आपको अपने एम्प्लॉयर से प्रीवियस ईयर के अंदर कुछ मिलता है लाइक बेसिक सैलरी हो गया, कोई भी अलाउंसेस हो गया, कोई भी परक्विजिट्स हो गया, कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गया, इन सब को हम लोग ऐड कर लेंगे तो आएगा आपका ग्रोस सैलरी। इस ग्रोस सैलरी में से फिर आपको रिडक्शन मिलेगी, रिडक्शन अंडर सेक्शन 16, सेक्शन 16 में तीन रिडक्शन है, एक है आपका स्टैंड रिडक्शन वो है 50,000 रुपए तक की, तो सबसे पहले स्टैंड रिडक्शन जो है वो कितनी आपका 50,000 रुपीज। सेक्शन 16 दो के अंदर मिलेगा आपको रिडक्शन किसका, एंटरटेनमेंट अलाउंस का, और एंटरटेनमेंट अलाउंस की रिडक्शन जो है वो क्या तीन में से कोई एक एक्चुअल अलाउंस थी, दूसरा ₹5,000 per annum और तीसरा जो है वो कितना 20% ऑफ बेसिक सैलरी, जो इन तीनों में सबसे क्या है कम है वो आपको क्या मिलेगी रिडक्शन, और तीसरा जो है सेक्शन 16 तीन की रिडक्शन और वो है जी किसका प्रोफेशनल टैक्स का, प्रोफेशनल टैक्स रिडक्शन मिलेगी किस बेसिस पे, पेड बेसिस पे। ठीक है जी, आप कंप्यूटेशन कैसे करना है, आपको जो है वो क्या करना है, जो कुछ भी आपको अपने एम्प्लॉयर से मिला वो सब उसको ऐड कर लो, लाइक बेसिक सैलरी हो गया, कोई अलाउंस हो गया, कोई परक्विजिट्स हो गया या कोई भी प्रॉफिट इन लियो सैलरी, इन सबको ऐड कर लो तो ये बनेगा आपका क्या ग्रोस सैलरी। इस ग्रोस सैलरी में से माइनस करेंगे रिडक्शन अंडर सेक्शन 16, 16 1, 16 2, 16 3, 16 1 की रिडक्शन, 16 2 की एंटरटेनमेंट अलाउंस,
स्पेशल बात यह है एंटरटेनमेंट लॉस की रिडक्शन मिलेगी ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इसकी कोई रिडक्शन नहीं मिलेगी। और 16(3) की रिडक्शन किसकी है आपका प्रोफेशनल टैक्स का। इसके अलावा अब आएगा सबसे पहले रिटायरमेंट बेनिफिट ग्रेचुटी के लिए। अगर आपको प्रीवियस ईयर के अंदर कोई भी ग्रेचुटी का अमाउंट जो रिसीव होता है तो जितना भी ग्रेचुटी का अमाउंट आपको रिसीव होगा तो पहले देखना पड़ेगा आप हो कौन। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फुली एग्जेम्प्ट है, अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो मतलब प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो फिर देखना पड़ेगा कि क्या आप जो है वो ग्रेचुटी एक्ट 1972 में कवर हो या नहीं हो। अगर आप कवर हो तो आपको जो है तीन कंडीशन है, तीन में जो सबसे कम होगी वो उतना क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बाकी अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा टैक्सेबल। तो क्या क्या है 20 लाख रुपया मेन आपको जो है वो यही याद करना है कि अमाउंट जो है ग्रेचुटी के अंदर जो है वो कितनी है 20 लाख या एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव या 15/26 इंटू लास्ट सैलरी डाउन इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर, इस तरीके से आपको जो है वो निकालना है। इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट। लाइक आपको ग्रेचुटी मिला मान लो 7 लाख रुपए का और इन तीनों में सबसे कम जो है वो आ गया मान लो 3 लाख, तो 3 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा, रिमेनिंग 4 लाख रुपए जो है वो क्या हो जाएगा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इस तरीके से हम जो है वो क्या करते हैं कंप्यूट करते हैं। तो 20 लाख रुपए तक का जो है वो एग्जम्पशन लिमिट है। अब ये देखो ये 20 से जो है वो क्या है आपका ये जो लिमिट आ गया आपका मान लो 3 लाख का लिमिट आ गया, ठीक है ना। तो एक एम्प्लॉय को जो है वो 20 लाख रुपए तक की सैलरी ग्रेचुटी जो मिलती है ना वो क्या रहेगी उसके लिए एग्जेम्प्ट रहेगी। मतलब अगर आपको पूरे लाइफ टाइम के अंदर जो है 20 लाख रुपए तक की अगर ग्रेचुटी मिलती है तो वो आपके लिए क्या रहेगी एग्जेम्प्ट रहेगी। और 20 लाख की जो है वो एग्रीगेट कंडीशन है, अगर आपने चार जगह पे जॉब किया तो चारों जॉब की मिला करके 20 लाख जो है वो हम देखेंगे, यूं नहीं कि हर जॉब के अलग अलग 20-20 लाख रुपए, ऐसा नहीं होता है। दूसरा जो है अगर एम्प्लॉय कवर नहीं है तो वहां पे ये तीसरा जो कंडीशन है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, 15/26 की जगह 1/2 हो जाएगा। अब उसके बाद टैक्सेबल पेंशन, पेंशन दो तरीके की होती है, एक होती है जी आपका अनकम्यूटेड पेंशन और एक होती है जी आपकी कौन से कम्यूटेड। अनकम्यूटेड पेंशन जिसको रेगुलर पेंशन बोलते हैं, तो रेगुलर पेंशन हर एम्प्लॉय के लिए जो है वो क्या है टैक्सेबल है, फुली टैक्सेबल है। लेकिन अगर बात करूंगा कम्यूटेड पेंशन का तो कम्यूटेड पेंशन के लिए क्या बोलते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नॉन गवर्नमेंट, मतलब अगर आप अपनी पेंशन को कम्यूट करवा लो ठीक है तो उसको बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन मिलता है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, किसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो फिर वो क्या फुली एग्जेम्प्ट है। वही अगर बात करूंगा कम्यूटेड पेंशन मिलता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो उसके लिए वो क्या है टैक्सेबल है और उसके उसमें उसको क्या मिलेगी डिडक्शन मिलेगी। तो जिस भी अगर एम्प्लॉय जो है वो ग्रेजुएट रिसीव कर रहे हैं और फिर उसने कम्यूट करवा लिया पेंशन को तो 1/3 जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और अगर वो ग्रेजुएट रिसीव नहीं कर रहा तो टोटल जो उसको पेंशन से कम्यूट कर रहा उसका 1/2 जो है वो उसका क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद है जी आपका प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड के लिए 5 तरह का प्रोविडेंट फंड है, एक है आपका स्टैच्यूट प्रोविडेंट फंड जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होता है, एक है आपका रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एक है आपका अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एक है आपका पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड और एक है आपका सुपर अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। तो यहां पे स्टैच्यूटरी जो प्रोविडेंट फंड है इसके अंदर कुछ जो है वो क्या ये अमेंडमेंट आई है जो आपको देखना पड़ेगा। ये देखो यहां पे पहले जो था आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन वो एग्जेम्प्ट था, अभी भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन जो इंटरेस्ट मिलता था ओन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन या एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन वो पहले एग्जेम्प्ट होता था लेकिन अब जो है वो उसको क्या कर दिया टैक्सेबल। तो ये आपकी इस बार जो है नए फाइनेंस एक्ट के अंदर जो है वो क्या ये अमेंडमेंट आई है, तो ये बात ध्यान रखना। अगर स्टैच्यूट प्रोविडेंट फंड के अंदर अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट मिलता है एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन पे या एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन पे तो 2.5 लाख या 5 लाख रुपए तक जो है वो क्या रहेगा एग्जेम्प्ट रहेगा, उसके ऊपर का अमाउंट जो है क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, देखो एम्प्लॉय कोई भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ना पैसा अपने प्रोविडेंट फंड के अंदर तो उसको 80C के अंदर डिडक्शन मिलेगा, लेकिन अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ठीक है SPF में एग्जेम्प्ट है, अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा RPF के अंदर तो 12% सैलरी तक क्या रहेगा एग्जेम्प्ट रहेगा। अब अगर मान लो RPF के ऊपर जो है वो आपको क्या मिला इंटरेस्ट मिला एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन पे, तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन पे अगर ब्याज मिलेगा 9.5% तक जो है वो क्या एग्जेम्प्ट है, और अगर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन पे कोई भी अगर आपको जो है वो क्या मिला इंटरेस्ट मिला तो फिर वही कंडीशन है कि 9.5% तक जो है वो तो क्या रहेगा एग्जेम्प्ट रहेगा, उसके ऊपर का अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद इसमें और तो कुछ खास, हाँ एक ये सुपर एनुएशन फंड वाला ये जो है वो ध्यान रखना कि सुपर एनुएशन फंड के अंदर जो है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 7.5 लाख रुपए तक जो है वो क्या है आपका एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर का अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। चलो जी आगे अब आएगा जी आपका लीव सैलरी। अगर मान लो आपने जो है वो लीव सैलरी को जो है वो क्या करवा दिया एनकैश करवाना है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर मान लीजिए लीव सैलरी को जो है वो एनकैश करवाता है तो उसके लिए फुली एग्जेम्प्ट है। वही अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करता हूं तो उसके लिए तीन कंडीशन है, जो तीन में सबसे कम है उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा बाकी अमाउंट टैक्सेबल, और तीन में जो कंडीशन है वो क्या जो भी उसको एक्चुअल रिसीव हुआ, चार कंडीशन में एक्चुअल रिसीव हुआ वो या 3 लाख रुपए या 10 टाइम ऑफ द एवरेज सैलरी या लीव एट द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉय इनटू में एवरेज सैलरी पर मंथ, इन चार में से जो सबसे कम होगा वो उसके लिए क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट, बाकी अमाउंट क्या होगा टैक्सेबल। मेन बात इसके अंदर जो है वो ये है कि लीव सैलरी के लिए जो आपकी क्वांटम लिमिट है वो कितनी है आपका 3 लाख रुपए की,
ठीक है जी। फिर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, अगर मान लो कि प्रीवियस ईयर में किसी भी एम्प्लॉय को जो है वो क्या कर दिया, निकाल दिया, रिट्रेंच कर दिया, तो उसके बेस और रिट्रेंच करके जो है उसको क्या दिया, कुछ कंपनसेशन दिया, तो 5 लाख रुपए तक जो है अगर कंपनसेशन मिलता है तो वो उसके लिए क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है जी। वॉलंटरी रिटायरमेंट अगर वो लेके चला गया तो उसके भी क्वांटम जो है वो कितनी आपका, 5 लाख रुपए का। ठीक है जी, ठीक है जी। अब अलाउंसेस, अलाउंसेस की बात करें तो अलाउंसेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक है फुली टैक्सेबल अलाउंस, एक है फुली एग्जेम्प्ट और एक है आपके पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्ट। फुल टैक्सेबल के अंदर जैसे डीए हो गया, एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, टिफिन रिफ्रेशमेंट अलाउंस हो गया, ओवर टाइम अलाउंस हो गया, सर्वेंट अलाउंस हो गया, वोटर अलाउंस हो गया, ये सब आपके जो है वो है फुली टैक्सेबल अलाउंस। और ये फुली टैक्सेबल अलाउंस अगर आपको मिलते हैं, 1 रुपया मिलेगा तो भी टैक्सेबल, 100 रुपये मिलेंगे तो भी टैक्सेबल, 2 रुपये मिलेंगे तो भी फुली टैक्सेबल है। लेकिन अगर बात करूंगा फुली एग्जेम्प्ट अलाउंस का, तो 4 ऐसे अलाउंस है वो फुली एग्जेम्प्ट है। पहला, डेली अलाउंस अगर मिलता है किसी एमपी एमएलए को, वो एग्जेम्प्ट है। देखो, एमपी एमएलए को मिलने वाली सैलरी जो है वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, लेकिन एमपी एमएलए को अगर कोई डेली अलाउंस मिलता है तो वो उसका क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। दूसरा, अलाउंस रिसीव हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर कोई भी अलाउंस मिलता है वो भी जो है वो फुली क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। तीसरा, अलाउंस रिसीव बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉई रेंडरिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया। अगर मान लो आप आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अंदर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो इंडिया के बाहर जाके, इंडिया के बिहाफ पे, तो आपको अगर कोई बाहर कोई भी अलाउंसेज मिलता है वो भी आपके लिए फुली क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। और जो यूपीएससी का जो चेयरमैन है उसको अगर कोई अलाउंस मिलता है वो भी क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। और अगर आप यूएनओ के एम्प्लॉई हैं, ठीक है, और अगर आपको कोई भी जो है वो क्या मिलता है, अलाउंस मिलता है, तो वो भी आपके लिए क्या रहेगा, फुली एग्जेम्प्ट रहेगा। इसके अलावा पार्टली एग्जेम्प्ट पार्टली टैक्सेबल में 3 कैटेगरी जो है बना रखी है। सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है ऑफिशियल पर्पस। ये 6 वो अलाउंस है, जितना भी आपको मिलेगा उसमें से जितना भी आपने ऑफिशियल पर्पस के लिए खर्चा कर दिया उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। वो कौन कौन सा, यूनिफॉर्म अलाउंस हो गया, ट्रेवलिंग अलाउंस हो गया, डेली अलाउंस हो गया, हेल्पर अलाउंस हो गया, एकेडमिक अलाउंस हो गया एंड द कर्मेस। मान लो ये आपको टोटल मिले 10,000 रुपए और इनमें से अगर आपने 7,000 रुपए जो है वो खर्चा कर दिया तो रिमेनिंग 3,000 रुपए आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। वही अगर बात करेगा कैटेगरी बी जो है वो है पर्सनल पर्पस के लिए, तो इसमें क्या है, जितना भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ या जो स्पेसिफाइड है इनमें दोनों में जो सबसे कम होगा वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड तक जो है वो क्या, एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्सेबल है। हॉस्टल एक्सपेंस अलाउंस 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड तक एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्सेबल है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस अब जो है वो सिर्फ हैंडीकैप एम्प्लॉय के लिए जो है वो क्या है, एग्जेम्प्ट है, 3200 रुपए पर मंथ, और पहले नॉर्मल के लिए 1600 रुपए था, वो कंडीशन हटा दिया, तो अब जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस सिर्फ हैंडीकैप पर्सन के लिए जो है वो कितना है, 3200 रुपए पर मंथ जो है वो क्या, एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्सेबल है। कैटेगरी सी के अंदर बना रखा है स्पेसिफाइड परसेंट वाला, ठीक है ना, तो जितना भी आपको अलाउंस मिलता है, जैसे जो एम्प्लॉई ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करता है तो उनको डेली अलाउंस के नाम पे कुछ मिलता है, तो डेली अलाउंस जितना मिलेगा उसका 70% या 10,000 रुपए पर मंथ, जो दोनों में क्या होगा, कम होगा, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर एचआरए का यहाँ पे बता रखे, अगर आपको प्रीवियस ईयर में अपने एम्प्लॉयर से कोई हाउस रेंट अलाउंस मिला तो उसके जितना भी आपको अलाउंस मिलेगा उनमें से 3 कंडीशन है, 3 में से जो सबसे कम होगा वो उतना माइनस हो जाएगा, बाकी अमाउंट क्या होगा, टैक्सेबल। 3 कंडीशन कौन कौन सा, पहला एक्चुअल अलाउंस रिसीव, दूसरा रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा जो है 40 या 50, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो 50% सैलरी, नॉन मेट्रो सिटी में तो 40% ऑफ सैलरी। इन 3 में जो सबसे कम होगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, बाकी अमाउंट क्या हो जाएगा, आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। कुछ अदर अलाउंस बता रखे, जैसे ये रिटायर्ड चेयरमैन को अगर या मेंबर ऑफ द यूपीएससी को जो अलाउंस मिलता है तो 14,000 रुपए पर मंथ तक एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्सेबल। स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है हिल एरिया में तो 300 से लेके 7,000 रुपए पर मंथ तक जो है वो क्या है, एग्जेम्प्ट है, वो देखना पड़ेगा लोकेशन के बेस पर। बॉर्डर एरिया अलाउंस मिलता है तो 200 से लेके 1300 रुपए तक जो है वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। ट्राइबल एरिया अलाउंस है वो 200 रुपए पर मंथ एग्जेम्प्ट है। कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस है 2600 रुपए पर मंथ के हिसाब से जो एग्जेम्प्ट है। कंपनसेटरी मॉडिफाइड एरिया अलाउंस 1000 रुपए पर मंथ के हिसाब से जो है वो क्या, एग्जेम्प्ट है। काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस जो है वो 3900 रुपए पर मंथ के हिसाब से एग्जेम्प्ट है। अंडरग्राउंड अलाउंस है 800 रुपए पर मंथ के हिसाब से एग्जेम्प्ट है। हाई एल्टीट्यूड अलाउंस जो है 1060 रुपए पर मंथ के हिसाब से जो है वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। और अगर 15,000 से ऊपर एल्टीट्यूड है तो 1600 रुपए पर मंथ के हिसाब से क्या है, एग्जेम्प्ट है। हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस है वो 4200 रुपए पर मंथ के हिसाब से क्या है, एग्जेम्प्ट है। और आइलैंड ड्यूटी अलाउंस है वो 3250 रुपए पर मंथ के हिसाब से जो है वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। इसके बाद आएंगे जी आपकी ये तो आपको मैंने बता दिया, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना है, 7.5 लाख रुपए तक, ये अमेंडमेंट था, थोड़ा देख लेना। अब आ जाओ जी आप यहाँ पे रेंट फ्री एकोमोडेशन। अगर प्रीवियस ईयर में आपको जो है अपने एम्प्लॉयर से कोई घर किराए पे घर मिल जाता है,
ठीक है, रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दिया उसने, तो उसके लिए प्रोविजन जो है वो क्या रहेगा? अगर अनफर्निश्ड है या फर्निश्ड है, ठीक है, वो देखना पड़ेगा, या होटल में मिला पहले, तो ये अगर अनफर्निश्ड दिया तो फिर देखना पड़ेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है नॉन गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो जो भी आपका लाइसेंस फीस होगा वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो देखना पड़ेगा घर उसका खुद का, एम्प्लॉयर का खुद का था या एम्प्लॉयर ने किराए पे लेके दिया। अगर एम्प्लॉयर का खुद का था तो देखेंगे घर कहां पे है। अगर ऐसी जगह पे है जहां की पॉपुलेशन जो है 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। अगर ऐसी जगह पे है जहां की पॉपुलेशन 10 लाख से 10 लाख से ज्यादा है लेकिन 25 लाख तक है तो फिर वहां पे 10% ऑफ सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर ऐसी जगह पे घर लेके दिया जहां की पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख लोगों तक है, 10 लाख या उससे कम है, तो फिर जो है वो 7.5% ऑफ सैलरी जो क्या हो जाएगा टैक्सेबल। और अगर घर किराए पे लेके दिया तो फिर क्या होगा 15% ऑफ सैलरी या एक्चुअल रेंट पेबल, ठीक है, जो दोनों में कम होगा वो उसके लिए क्या हो जाएगा टैक्सेबल। अगर फर्निश्ड घर लेके दिया तो फिर फर्नीचर का अमाउंट जो है वो भी क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, लेकिन देखना पड़ेगा पहले यहाँ पे कि फर्नीचर जो है वो खुद का है या किराए पे लेके दिया। अगर खुद का है मान लीजिए ओन्ड है तो फिर क्या होगा जो भी फर्नीचर की कॉस्ट है उसका 10% ऐड कर लेंगे, और अगर किराए पे लेके दिया तो जो एक्चुअल हायर चार्जेस है वो उसके अंदर क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। अगर होटल अकोमोडेशन दिया है मान लो तो 24% ऑफ सैलरी या एक्चुअल हायर चार्जेस जो दोनों में क्या होगा कम होगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई भी कोठी या कोई भी घर जो है वो मिलता है किसको, रेंट फ्री ऑफिशियल रेजिडेंट प्रोवाइड टू द यूनियन मिनिस्टर को, ठीक है, तो उनके लिए वो क्या रहेगा एग्जेम्प्ट रहेगा। रेंट फ्री ऑफिशियल रेजिडेंट प्रोवाइड किया जाता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अकोमोडेशन प्रोवाइड एट द माइनिंग साइट, अगर आपको जो है अकोमोडेशन मिला माइनिंग साइट पे या ऑफशोर यूनिट के ऊपर जो है आपका या एक्सप्लोरेशन साइट के ऊपर अगर आपको कोई रहने के लिए जो है वो जगह दे दी गई तो वो आपकी सैलरी के अंदर ऐड नहीं होगा। अगर दो एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड किया गया तो 90 दिनों तक तो कोई एक जो है टैक्सेबल होगा, ठीक है, जो जो कम है जिसकी वैल्यू कम है, और अगर 90 दिनों के बाद भी आपने दोनों को होल्ड कर रखा है तो दोनों का अमाउंट जो आपके लिए क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप मान लो आपको हम ट्रांसफर करते हैं तो 15 दिनों तक जो है वो तो क्या रहेगा टैक्सेबल नहीं होगा होटल वोटल में अगर आप कहीं रह रहे हो, और 15 दिनों के बाद में होटल एकोमोडेशन का जो अमाउंट है वो आपके लिए क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। आगे इसके बाद है जी आपका मेडिकल वाला आगे करते हैं। आ जाओ, अगर आपको आपके एम्प्लॉयर से जो है वो क्या मिलता है कोई भी इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है या कंसेशन लोन मिलता है तो उसका कंपटीशन के लिए आपको पहले एसबीआई के रेट से जो है वो क्या करना पड़ेगा कंपेयर करना पड़ेगा। अगर आपका जो अमाउंट है वो एसबीआई के अमाउंट से जो है वो क्या है कम है, मतलब आपको जो टैक्स मिला आपको जो लोन मिला उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो एसबीआई ने जो चार्ज किया उससे जो है वो क्या है कम है, ठीक है, तो जितना SBI का रेट मान लो आपको मिला 2% और SBI का रेट जो है 12% है तो 10% जो है वो आपके हैंड में जो है वो क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। तो कंपेयर करना है किससे, SBI के रेट से। दूसरा, अगर कोई ट्रेवलिंग एकोमोडेशन टूरिंग का कोई खर्चा खुर्चा जो भी एम्प्लॉयर ने उठाया तो एक इसमें सिंपल सा ये ध्यान रखना, अगर आपके पर्सनल यूज के लिए एम्प्लॉयर ने कोई भी खर्चा कर दिया तो वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। उसमें से अगर उसने कुछ वापस ले लिया तो उसको माइनस कर देना। लाइक मान लो आप कहीं घूमने गए, आपके घर वाले कहीं घूमने गए और उसके ऊपर कुछ खर्चा कर दिया, ठीक है, और खर्चा कर दिया मान लो 1 लाख रुपया वो एम्प्लॉयर ने भर दिया और उसमें से एम्प्लॉयर ने आपसे 30,000 रुपये ले लिया तो आपके लिए परक्विजिट अमाउंट जो है वो कितना रहेगा 70। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। फ्री मील अगर आपको मिलती है मान लीजिए खाना खुना मिलता है तो 50 रुपये पर मील तक जो है वो क्या रहेगा एग्जेम्प्ट रहेगा, उसके ऊपर क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा, अगर ऑफिशियल टाइम के अंदर आपको कोई चाय या नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस मिलते हैं तो वो फुली क्या रहेंगे एग्जेम्प्ट रहेंगे। अगर आपको अपने एम्प्लॉयर से जो है वो कोई गिफ्ट कार्ड मिला, ठीक है, कोई टोकन टोकन मिलता है तो अगर कैश में गिफ्ट मिला है तो फुली एग्जेम्प्ट रहेगा। अगर काइंड में मिला तो देखना पड़ेगा कि अगर वो 5,000 रुपये से कम है तो एग्जेम्प्ट है, 5,000 से ज्यादा है तो फिर वो क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है जी। फिर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द क्रेडिट कार्ड या एड ऑन कार्ड इंक्लूड द मेंबरशिप फीस या एनुअल फीस, तो इसके लिए जितना भी खर्चा एम्प्लॉयर ने बियर कर दिया वो आपके लिए जो है वो टैक्सेबल रहेगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने आपसे कुछ रिमबर्स करवा लिया तो वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसके अलावा हेल्थ कार्ड या स्पोर्ट्स क्लब फैसिलिटी जो है वो यूनिफॉर्मली सभी एम्प्लॉयज को दिया गया तो उस केस में क्या जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड किया गया एम्प्लॉयर के द्वारा वो क्या हो जाएगा खर्चा हो जाएगा और एम्प्लॉयज अगर कुछ रिमबर्स कर ले वो क्या माइनस कर लेंगे। लेकिन अगर ये जो हेल्थ कार्ड ये हेल्थ कार्ड फैसिलिटी जो है वो ऑफिशियल पर्पस के लिए दिया गया तो वो फुली क्या रहेगा एग्जेम्प्ट रहेगा। अगर आपको जो है कोई मूवेबल एसेट जो है वो दे दिया यूज करने के लिए तो जो भी उसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी उसका 10% जो है वो आपसे क्या करेंगे हम वो आपके लिए क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई रिमबर्स करवा लिया तो वो माइनस कर देंगे। इसके बाद अगर आपको जो है वो क्या किया ध्यान देना, अगर ट्रांसफर किया मूवेबल एसेट टू द एम्प्लॉय कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक देंगे तो जो भी उसकी कॉस्ट है उसमें से 50% WDV के हिसाब से हर साल जो है वो क्या करेंगे डेप्रिसिएशन काट के रिमेनिंग जो अमाउंट होगा वो अगर आपको फ्री में दे दिया तो उतना अमाउंट आपके लिए क्या हो जाएगा टैक्सेबल। दूसरा, अगर आपको मोटर कार्ड दिया है तो जो भी
जिस प्राइस पे कंपनी ने उसको परचेज किया था उसमें से 20% हर साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन काट के जो अमाउंट बचेगा वो आपके लिए टैक्सेबल, और अगर इसके अलावा कोई और एसेट दी है तो जो भी उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी उसमें हर साल 10% के हिसाब से स्टेटमेंट मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन काट के जो भी अमाउंट बचेगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कुछ रिमबर्स करवा लिया तो वो माइनस हो जाएगा। आगे इसलिए तो नॉर्मल है, डोमेस्टिक सर्वेंट अगर दे दिया तो जो भी सैलरी पे करे एम्प्लॉयर पे करेगा वो आपके लिए परक्यूसिट है और वो आपके सैलरी के अंदर ऐड हो जाएगा। अगर सप्लाई कर दिया गैस इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फॉर द हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए तो ये भी जो है वो क्या, अगर एम्प्लॉयर ने जितना भी आपके बिहाफ पे खर्चा पे कर दिया तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद अगर वो खुद ही गैस प्रोवाइड करवाने का काम करता है तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो आपके हैंड में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद है एजुकेशन फैसिलिटी, अगर एजुकेशन फैसिलिटी दिया गया मेंबर ऑफ द हाउस मेंबर ऑफिस हाउस होल्ड एम्प्लॉय के हाउस होल्ड जो है या उसके बच्चों को जो एजुकेशन फैसिलिटी दिया गया तो उसके लिए जो है वो क्या, फ्री एजुकेशन टू द एम्प्लॉय चिल्ड्रन इन द स्कूल मेंटेन बाय एम्प्लॉयर और द स्कूल स्पॉन्सर्ड बाय द एम्प्लॉयर। अगर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो है वो कितनी है, 1000 रुपए तक है, ठीक है ना, तो फिर वो फुली क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। अगर 1000 रुपए से जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो हम सिमिलर जो स्कूल है उसकी कॉस्ट देखेंगे कि वो कितना चार्ज करेगा, उतना आपके लिए हैंड में जो है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद मेडिकल फैसिलिटी, अगर मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, देखो मेडिकल अलाउंस मिलेगा तो फुली टैक्सेबल है, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा तो देखना पड़ेगा। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट जो वो दिया गया कहां पे, हॉस्पिटल मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर, टैक्सेबल नहीं है। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया कहां पे, किसी ऐसे हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट का है या लोकल अथॉरिटी का है, एग्जेम्प्ट रहेगा। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया किसी ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल जो सीआईडी ने अप्रूव कर दिया, एग्जेम्प्ट रहेगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, इसके बाद ये मेडिकल ट्रीटमेंट अगर दिया गया कहां पे, आउटसाइड इंडिया, तो वहां पे जो है वो तीन बातें आएंगी, ट्रीटमेंट का खर्चा, ट्रीटमेंट के खर्चे के लिए आपको जो है आरबीआई जितना अप्रूव कर देगा वो एग्जेम्प्ट होगा, बाकी अमाउंट क्या होगा, टैक्सेबल। फिर स्टे का खर्चा, एक अटेंडेंट और मरीज उसका खर्चा जो है जितना आरबीआई एग्जेम्प्ट कर देगा उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी अमाउंट टैक्सेबल। और जो ट्रैवल का खर्चा उसके लिए देखना पड़ेगा आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख है या 2 लाख से कम है तो जितना भी आपका ट्रैवल का खर्चा वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा रिमेनिंग अमाउंट, और अगर 2 लाख से ज्यादा है तो होल अमाउंट जो है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। आगे फिर LTC, अगर आपको लीव ट्रेवल कंसेशन मिलता है, ठीक है ना, और अगर आप घूमने के लिए कहीं जा रहे हैं और एम्प्लॉयर ने अगर मान लो वो उसका रेंट रूम पे कर दिया, तो अगर आप एयर से जा रहे हैं तो इकोनॉमिक क्लास तक का जो है आपके लिए क्या रहेगा, इकोनॉमिक क्लास का फेयर जो है वो आपके लिए एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है। अगर आप जर्नी कर रहे हैं रेल से तो फर्स्ट क्लास AC तक का जो है वो आपके लिए क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। और अगर आप कर रहे हैं किसी और मोड से तो डिलक्स बस का जो किराया होता है उतना एग्जेम्प्ट रहेगा आपका, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद है टैक्सेबिलिटी ऑफ द मोटर कार बेनिफिट, तो मोटर कार के लिए हम ये देखते हैं कि अगर मान लो एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉई को कोई मोटर कार फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, कोई गाड़ी गुड़ी दे दी मान लो, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा अगर गाड़ी दी है ऑफिशियल पर्पज के लिए तो फुली क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए तो दिया नहीं, लेकिन अगर दिया पर्सनल यूज के लिए तो जो भी मोटर कार के खर्चे हैं वो एम्प्लॉय के लिए क्या हो जाएंगे, और वो बियर करें मान लो एम्प्लॉयर ने तो एम्प्लॉय के हैंड में वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो यहां पे क्या बोलते हैं, ओनर जो है वो कौन है, एम्प्लॉयर, खर्चा किसने भरा, एम्प्लॉयर ने भरा, किस पर्पज के लिए, फुली ऑफिशियल, तो वो परक्यूसिट्स नहीं है और वो फुली क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है जी। वही अगर बात करें दूसरा केस क्या, ओनर कौन है कार का, एम्प्लॉयर है, खर्चा किसने भरा, एम्प्लॉयर ने, और कार को यूज करता है सिर्फ पर्सनल पर्पज के लिए, तो एम्प्लॉय को एक बेनिफिट मिल गया। क्या क्या बेनिफिट मिला, एक तो रनिंग मेंटेनेंस का खर्चा कौन उठा रहा है, एम्प्लॉय उठा रहा है, ये आपके हैंड में टैक्सेबल होगा। ड्राइवर अगर प्रोवाइड किया तो ड्राइवर की सैलरी टैक्सेबल होगा, और जो कॉस्ट है आपकी उसका 10% जो है वो आपके हैंड में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, और जितना अमाउंट आपसे ले लिया उसको यहां से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दूसरा, अगर मान लो कार है एम्प्लॉयर की, खर्चा भी एम्प्लॉयर उठा रहा है, और कार को जो है वो पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल पर्पज के लिए आप यूज कर रहे हो, तो वहां पे देखना पड़ेगा कार छोटी है बड़ी है, बिग कार या स्मॉल का, वो डिपेंड करता है क्यूबिक कैपेसिटी पे। अगर आपकी कार जो है वो क्या है जी, आपका स्मॉल कार है, मतलब उसकी 1.6 लीटर की क्यूबिक कैपेसिटी है, तो 1800 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा, और ड्राइवर भी दिया तो 900 रुपए पर मंथ के हिसाब से ड्राइवर की सैलरी हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो बिग कार है तो फिर वहां पे 1800 की जगह 2400 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपके हैंड में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। दूसरा, कार एम्प्लॉयर की है, खर्चा एम्प्लॉय बियर कर रहा है और ऑफिशियल पर्पज के लिए, तो वो परक्विजिट्स नहीं है। आगे, कार एम्प्लॉयर की है, खर्चा एम्प्लॉय बियर कर रहा है लेकिन पर्सनल पर्पस के लिए, तो आपको जो फायदा मिला सिर्फ क्या मिला, कार का, क्योंकि खर्चा तो आप खुद ही बियर कर रहे हो, तो कार की जो भी कॉस्ट होगी उसका 10% आपके हैंड में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तीसरा, कार एम्प्लॉयर की है, खर्चा कौन बियर कर रहा है, एम्प्लॉय, और कार को दोनों पर्पस के लिए यूज करता है, तो उस केस में जो है वो क्या होगा कि 600 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपके हैंड में टैक्सेबल होगा, और अगर ड्राइवर भी दिया तो 900 रुपए ड्राइवर की सैलरी भी आपके हैंड में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। और अगर बिग कार है तो 600 की जगह क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। कार एम्प्लॉय की है और खर्चा कौन बियर कर रहा है, एम्प्लॉयर, और कार फुली ऑफिशियल चलती है, तो ये कोई भी जो है वो परक्विजिट्स नहीं है। कार एम्प्लॉय की और खर्चा कौन भर रहा है, एम्प्लॉयर भर रहा है, और कार फुली पर्सनल पर्पस के लिए चलती है, तो फिर क्या होगा, जितना भी खर्चा एम्प्लॉयर ने भरा वो आपके हैंड में जो है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ये बात थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद है जी आपका मीनिंग ऑफ सैलरी,
ये आप देख लेना, सैलरी का मतलब जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, वो क्या क्या है वो देख लेना, ठीक है। और उसके बाद है रिलीफ, ये आपको मैंने क्लास में करवा, देख लेना। और फिर टीडीएस का प्रोविजन, तो टीडीएस का प्रोविजन इसको जो है मतलब सैलरी हेड में जो टीडीएस का प्रोविजन है उसको डील करता है सेक्शन 192, तो ये थोड़ा सा आप देख लेना एक बार, ठीक है ना। तो हर क्या होगा कि जो भी एक्सपेक्टेड आपकी सैलरी निकाल लिया जाएगा, ठीक है, और उसके ऊपर जो है हम क्या करेंगे टैक्स निकालेंगे। और हर महीने जैसे मान लो आपका टोटल टैक्स जो है, हमने एक्सपेक्टेड आपकी इनकम निकाल ली, उसके ऊपर टोटल टैक्स निकाल लिया, मान लो आपका टैक्स बना 12,000 रुपया या आपका टैक्स बन गया एग्जांपल मान लो 36,000 रुपया, ठीक है। ये तो हम क्या करेंगे 36,000 डिवाइड में 12, ठीक है, कितना हो गया आपका 3,000। तो हर महीने जो आपको सैलरी पे करेंगे उसमें 3,000 रुपये जो है वो टीडीएस का काटते रहेंगे, तो ये थोड़ा सा आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो सैलरी हेड में टीडीएस को डील करने वाला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 192। कौन काटेगा? एम्प्लॉयर काटेगा, और एम्प्लॉयर टीडीएस काट के और क्या करेगा, गवर्नमेंट की ट्रेजरी के अंदर जो है वो क्या करेगा, जमा करवाएगा, और इसको फॉर्म 16 जो है वो क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, फॉर्म 16 जो है वो दिया जाएगा टीडीएस काट के। ओके जी सर, तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर आपका 5, आप करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 6। अब सैलरी के बाद जो है वो नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका चैप्टर नंबर 6, दैट इज द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आइए अभी हम लोग जो है वो शुरुआत करेंगे हमारा हाउस प्रॉपर्टी का। देखिए हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, अगर आपके पास से प्रीवियस ईयर के अंदर जो है वो कोई भी हाउस प्रॉपर्टी थी, कोई भी मकान था, कोई भी दुकान थी, और अगर आपने उसको लेट आउट कर दिया, किराए पे दे दिया, तो किराए की जो इनकम आती है वो आपकी टैक्सेबल होती है कहां पे, आपके टैक्सेबल होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है जी। हाउस प्रॉपर्टी में इनकम टैक्सेबल होगी तो ये तीन कंडीशन जो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहली कंडीशन जो है वो क्या, देयर शुड बी बिल्डिंग होनी चाहिए, या लैंड है, अगर कोई लैंड है और लैंड बिल्डिंग से जुड़ी हुई है तो उस लैंड को भी अगर किराए पे देके कोई आपके पास जो है वो रेंट आ रहा है तो वो भी आपका टैक्सेबल होगा कहां पे, हाउस प्रॉपर्टी में। दूसरा असेसी उसका क्या होना चाहिए, ओनर होना चाहिए, और उस बिल्डिंग को आपने जो है या उस हाउस प्रॉपर्टी को आपने जो है वो बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज ना किया हो। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो उस केस के अंदर यहां से आने वाली जो इनकम है वो टैक्सेबल होगी कहां पे, आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है जी। अब इसके लिए कुछ खास बात ये, अगर आपका मेन काम जो है वो आपका मेन धंधा ही है, मान लीजिए अगर आप जो है आप क्या करते हो, आप मकान बनाते हो, दुकान बनाते हो, उनको किराए पे देते हो, और किराए पे देना आपका मेन धंधा है, तो वहां से आने वाले जो इनकम होगी ना वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है, वो आपकी इनकम होगी कहां की, पीजीबीपी हेड की। तो मेन बात जो है वो ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद है फिर आपका ये वेयर द मेन, अगर आपका मेन बिजनेस जो है वो क्या है, कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट करना प्रॉपर्टी को, अगर आपका मेन काम जो है वो प्रॉपर्टी को डेवलप करना है लेकिन अभी आपकी बिकी नहीं है प्रॉपर्टी, और आपने उस कुछ समय के लिए उस प्रॉपर्टी को जो है वो किराए पे दे दिया, तो वहां से आने वाली इनकम टैक्सेबल होगी कहां पे, आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। कंपोजिट इनकम जो है वो टैक्सेबल होती है कहां पे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो आपका कंपोजिट इनकम इज रिसीव टुवर्ड्स रेंट एंड अमेनिटी वो आपकी जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन अगर मान लो कंपोजिट इनकम है, ठीक है, और आप उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे, आपने जो है वो क्या कर दिया, आपने घर भी दिया, घर के साथ में एसी भी दिया सब कुछ, तो फिर वहां से आने वाली जो इनकम है अगर आप उसको बाइफर्केट नहीं कर पा रहे हो, भाई कितना पैसा आपको एसी का मिला, कितना पैसा आपको बिल्डिंग का मिला, तो वो इनकम टैक्सेबल होगी कहां पे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो ये कुछ खास बातें हैं जो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद में अब आएगा जी आपका कैसे आप इसको निकालते हो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, हम लोग सबसे पहले जो है कंप्यूट करते हैं किसको, जीएवी को। तो जीएवी कैसे कंप्यूट होगा, चार तरह की इनकम होगी, चार तरह की आपकी वैल्यू होगी, उन वैल्यू को आपस में कंपेयर करके और आपको निकालना पड़ेगा जीएवी। सबसे पहले हम लोग जो है वो क्या करते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं, व्हिच एवर इज हायर, कंपेयर करते हैं सेंट रेंट से, व्हिच एवर इज लोअर, कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से, व्हिच एवर इज हायर, जो हायर वैल्यू आएगा वो हो जाएगा क्या आपका जीएवी, ग्रोस एनुअल वैल्यू। इस ग्रोस एनुअल वैल्यू में से माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स की रिडक्शन आपको मिलती है ऑन पेड बेसिस, पेड हो बाय द टेनेंट या पेड बाय द ओनर ऑन बिहाफ ऑफ द, या तो पेड बाय ओनर हो या पेड बाय टेनेंट ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर, दोनों ही केस के अंदर आपको म्युनिसिपल टैक्स की जो रिडक्शन मिल जाएगी। अगर आपने एडवांस म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट कर दिया तो उसकी रिडक्शन आपको उसी साल मिलेगी जिस साल आपने एक्चुअल में क्या किया, पे किया। इसके बाद में जो आएगा वो है क्या आपका, देखिएगा अनरेज रेंट, ये है आपका रूल नंबर 4। अनरेज रेंट जो है वो क्या होता है आपका, अगर मान लो कोई रेंट आपने जो है वो आपने कोई प्रॉपर्टी को किराए पे दिया, ठीक है, और आपको जो है उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई रेंट जो है वो रिसीव नहीं हो तो उसको बोलते हैं अनरेज रेंट। अनरेज रेंट की रिडक्शन आपको तभी मिलेगा अगर आप रूल 4 की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। रूल 4 के अंदर टोटल मिला के जो है वो चार कंडीशन है, चारों कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहली कंडीशन जो है वो क्या, टेनेंसी इज बोनाफाइड, मतलब जो है वो क्या, टेनेंट के साथ में आपका जो है वो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा, डिफॉल्टिंग टेनेंट ने आपकी प्रॉपर्टी को वैकेट कर दिया या फिर आपने स्टेप उठा लिया उससे प्रॉपर्टी वैकेट करवा। तीसरा, जो टेनेंट है, जो किराएदार है, उसके पास आपकी दूसरी कोई प्रॉपर्टी जो है वो किराए के पास ना हो। और चौथा, असेसी ने सारे स्टेप उठा लिए हो क्या करने के लिए, अनपेड रेंट की रिकवरी करने के लिए। अगर ये चार कंडीशन को आप सेटिस्फाई कर दो तो आपको अनलेस रेंट की डिडक्शन मिल जाएगी। अब कंपटीशन कैसे होती है, तो कंपटीशन के लिए ये होता है, सबसे पहले आएगा आपका ग्रोस एनुअल वैल्यू, माइनस करते हैं आप इसमें से जो है वो क्या,
म्युनिसिपल टैक्स, फिर आएगा आपका नेट एनुअल वैल्यू, इसमें से माइनस करें डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, सैलरी के अंदर डिडक्शन का सेक्शन था सेक्शन 16 और हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन का सेक्शन है सेक्शन 24, सेक्शन 24 के अंदर डिडक्शन मिलेगा आपको कितना, दो, एक मिलता है आपको सैलरी डिडक्शन जो कि 30% होता है एनुअल वैल्यू और एक मिलती है आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन। इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन में दोनों तरह की आएगी, जो आपका करंट ईयर का जो इंटरेस्ट होता है उसकी डिडक्शन मिलेगी 100% और जो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट होता है उसकी डिडक्शन मिलती है आपको कितना 20% का, यह बात ध्यान रखना, ठीक है ना। करने के बाद जो आएगा डेट इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब एक बात ध्यान रखना, जो आपका सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस होता है ना, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस के अंदर जो आपकी जीएबी होती है वो क्या होती है, नील, और सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस के अंदर इनकम कभी भी नहीं आएगी, हमेशा जो है वो क्या आएगा, लॉस आएगा हाउस प्रॉपर्टी से, और वो कितना हो गया, तो 30,000 रुपए या 2,00,000 रुपए विच एवरी से, मतलब वो देखना पड़ेगा। अब क्या, अगर आपने जो है वो घर को बनाने के लिए कोई लोन लिया, लोन कब लिया, अब उसकी कंडीशन में एक बार पहले आपको दिखा दूं, ये देखो, अगर आपने घर को बनाने के लिए जो लोन लिया और लोन लिया कब, 1/4/99 या उसके बाद में लिया, 1/4/99 को लिया या उसके बाद में लिया, और घर जो है वो आपका 5 साल के अंदर बन के कंप्लीट हो गया, ठीक है। और अगर ये कंडीशन हो और आपने लोन लिया कंस्ट्रक्शन के लिए, अगर आपने घर की कंस्ट्रक्शन के लोन के लिए लोन लिया, लोन कब लिया, 1/4/99 या उसके बाद में लिया, और तीसरी कंडीशन क्या, 5 साल में आपका घर बन के जो है वो क्या कंप्लीट हो गया, तो फिर आपको जो है वो 2,00,000 रुपए तक की जो है रिडक्शन मिलेगी। ये ओनली बात हो रही है किसका, जो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस होते हैं, जो आपके लेट आउट हाउस होते हैं उसके अंदर अनलिमिटेड रिडक्शन जो है वो आप क्लेम कर सकते हो। इंडस्ट्रियल लोन के लिए खास बात ये भी है कि इंडस्ट्रियल लोन की रिडक्शन जो है वो पेड बेसिस पे नहीं है, एक्रूअल बेसिस पे भी आपको रिडक्शन मिल जाएगा, बट म्युनिसिपल टैक्स की रिडक्शन आपको हमेशा मिलेगा किसके ऊपर, पेड बेसिस पे, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन, तीनों कंडीशन, कौन कौन सा, कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया हो, दूसरा 1/4/99 उसके बाद में लोन लिया है, और तीसरा जो है घर बन के 5 साल में कंप्लीट हो गया, अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई कर दो तो मिलेगा 2,00,000 का। अगर ये तीन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर आपको रिडक्शन जो मिलेगी मैक्सिमम कितनी, 30,000 रुपए तक की, ठीक है जी। आगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए, जिस साल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड किसको बोलेंगे, जिस साल घर बनके कंप्लीट हुआ उससे पहले की 31/3 तक का जो पीरियड होता है वो होता है प्री कंस्ट्रक्शन, और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जितना भी ब्याज हो सबको जोड़ लो, जोड़ने के बाद उसको डिवाइड बाय 5 कर दो और उतने रिडक्शन आपको हर साल जो है वो आप क्लेम करते रहोगे, ठीक है जी। अब यहां पर देख लो एक बार, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस के अंदर हमेशा जो है वो क्या आएगा, लॉस आएगा, लॉस मैक्सिमम कितना आएगा, या तो 2,00,000 रुपए तक या मैक्सिमम कितना 30,000। ये कब आएगा, अगर हमने लोन लिया किसके लिए, रिपेयर के लिए, और ये अगर लोन लिया किसके लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है ना। दूसरा लेट आउट हाउस के अंदर सिंपल निकालेंगे आप, पहले जो है एक्सपेक्टेड रेंट निकालोगे, उसको कंपेयर करोगे एक्चुअल रेंट से, विच एवर इज हायर वो आपका जीएबी हो जाएगा, और फिर आप कंप्यूटेशन कर लोगे। कुछ होता है आपका सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, अगर आपने जो है वो क्या किया, एक घर था और उसको पार्ट होता है ये तो सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए, मतलब खुद रहे, और पार्ट होता है ईयर आपने लेट आउट कर दिया, तो उस केस के अंदर उसको डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा और उसकी कंप्यूटेशन वैसे होगी जैसे आप इस लेट आउट घर की करते हो, ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना है। एक बार अब आएगा जी आपका आगे कंडीशन हो गया, ये बता दिया। दूसरा हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर एंड लेट आउट फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर, अगर आपने किसी हाउस प्रॉपर्टी को जो है कुछ समय के लिए सेल्फ ऑक्युपाइड किया और कुछ समय के लिए फिर किराए पे दे दिया तो उसको पूरे साल के लिए जो है वो डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा। आगे पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड, तो उसके अंदर जो है वो क्या होगा, घर को डिवाइड कर दिया जाएगा, तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है उसकी कंपटीशन अलग होगा और जो लेट आउट प्रॉपर्टी है उसकी कंपटीशन जो है वो अलग किया जाएगा। इसके बाद आएगा जी आपका हाँ बेनिफिट ऑफ नील एनुअल वैल्यू। अभी ये बात ध्यान रखें, जो सेल्फ ऑक्युपाइड है उनके अंदर जीएबी अगर नील आएगा तो उनकी एनुअल वैल्यू भी नील होती है, तो वहां पे हमेशा लॉस आएगा, लॉस मैक्सिमम कितना आएगा, 30,000 या फिर कितना 2,00,000 रुपए तक का, ठीक है। अब एक एसएससी जो है वो कितने घर को सेल्फ ऑक्युपाइड कर सकते हैं, तो कंडीशन जो है कितनी है, दो, एक एसएससी मैक्सिमम दो, अगर मान लो आपके पास तीन या चार या पांच घर है तो आप मैक्सिमम दो घर को सेल्फ ऑक्युपाइड कर सकते हो, बाकी घर को आपको, देखो आपके पास तीन घर थे और तीनों आपने किराए पे एक भी नहीं दिया तो तीन में से आपको दो घर जो है सेल्फ ऑक्युपाइड दिखाने पड़ेंगे और एक घर जो है वो डीम टू बी लेट आउट आपको हमेशा शो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में ये आ गया एसएससी मोर देन टू हाउस, मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, तो एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो आप दो को ही जो है सेल्फ ऑक्युपाइड कर सकते हो, बाकी को क्या करना पड़ेगा, डीम टू बी लेट आउट, ठीक है। आप पार्टली लेट आउट पार्टली बिजनेस पर्पस के लिए, तो जितना हाउस बिजनेस पर्पस के लिए उसकी कंपटीशन पीजीबीपी हेड में होगा, जितना हाउस आप जितना पार्ट आपने जो है वो लेट आउट कर दिया तो वहां से मिलने वाले किराया जितना भी है उसकी कंपटीशन अलग हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर होगा, ये बात ध्यान रखना। फिर प्रॉपर्टी हेडलेस स्टॉक इन ट्रेड, अगर आप जो है आपका मेन काम जो है वो कंस्ट्रक्शन करने का है, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन करने के बाद जो है वो आप क्या करते हो उसको आगे बेचने का काम करते हो, लेकिन मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट तो कर ली लेकिन अभी तक बिकी नहीं है, तो फिर क्या होगा, वहां पे कंडीशन जो है वो क्या है, अब ध्यान देना, 2 साल तक तो जो है आपको कंसेशन अवेलेबल रहेगा, मतलब 2 साल तक तो हम आपके ऊपर जो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर 2 साल कंप्लीट हो गया और अभी भी आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिकी है, देखो 2 साल से पहले अगर आपने किराए पे दे दिया तो वहां से आने वाले किराए की इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, लेकिन 2 साल तक खाली पड़ी है, 2 साल के बाद हम उसको डीम टू बी लेट आउट मान लेंगे और आपसे उसके ऊपर जो है वो टैक्स लेना चार्ज कर देंगे, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर कोई बिल्डर है उसने बहुत सारे घर बनाए और घर बनाने के बाद में जो है या तो वो बेचेगा
और अगर अभी नहीं बिके तो दो साल तक जो है अगर वो खाली पड़े हैं तो हम आपसे कोई भी जो है उसके ऊपर जो है वो रेंट चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन अगर दो साल हो गए उसके बाद भी वो खाली पड़े तो उसके बाद हम ये मान लेंगे कि ये डीम टू बी लेटर आपने उसको किराए पे दे दिया और वहां से आने वाली इनकम को जो है वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम माना जाएगा। मतलब इनकम तो है नहीं तो नोशनल बेसिस पर आपकी इनकम मान लेंगे और उसको आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में लगा के और टैक्स आपसे चार्ज कर लेंगे। तो कंडीशन ये ध्यान रखना कि बिल्डर्स के लिए कितनी है, दो साल की। आगे आइएगा, इसके बाद है फिर ये टैक्सेबिलिटी ऑफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। अगर मान लो वो क्या है, कोई भी प्रॉपर्टी आपकी कोई प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है और वहां से अगर आपको जो है वो क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, तो फिर उसका स्टेटस क्या रहेगा। अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो आपके लिए टैक्सेबल रहेगा, लेकिन अगर आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर है जी आपका डिटर्मिनेशन कैसे होता है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम लोग जो है वो क्या करते हैं, जीएवी कंप्यूट करते हैं। जीएवी कंप्यूट कैसे होगा, चार वैल्यू, चार का कंप्यूटेशन करके। सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज हायर कंपेयर विद द सेंट्रल रेट, विच एवर इज लोअर कंपेयर विद द एक्चुअल, विच एवर इज हायर। जो हायर वैल्यू होगा वो आपका क्या जाएगा, जीएवी। माइनस करेंगे उसमें से क्या, म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर होना चाहिए या पेड बाय द टेनेंट ऑन बिहाफ ऑफ ओनर, तो पेड बेसिस पे डिडक्शन मिलेगा। फिर ये आएगा आपका नेट एनुअल वैल्यू, इसमें से माइनस करें डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 का। 24 के अंदर दो है, एक है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का और एक है आपका इंटरेस्ट लोन का, वो आपको मैंने यहां पे बता दिया, ठीक है। फिर आएगी जी आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये लॉस भी आ सकता है अगर माइनस में है तो। फिर एक होता है एरियर ऑफ रेंट या अनलेस रेंट रिसीव साइमल्टेनियसली। अगर मान लो कुछ समय के बाद में आपको पुराना कोई एरियर का रेंट इस साल आपको रिसीव हुआ या कोई पुराना अनलेस रेंट था वो इस साल अगर आपको रिसीव होगा तो वो भी आपके करंट ईयर की इनकम मानी जाएगी, ठीक है ना, और उसमें से जो है वो फ्लैट 30% की आपको क्या मिल जाएगी, रिडक्शन मिल जाएगी, तो ये बात ध्यान रखना। लेकिन अनरियलाइज रेंट में जैसे आपने प्रीवियस ईयर के अंदर आपका 10,000 रुपए का अनलेस रेंट था, ठीक है, आपने डिडक्शन क्लेम किया, अगर आपको 10 की 10 की डिडक्शन मिल गई तो इस साल जितना मिलेगा वो सारा का सारा इनकम माना जाएगा। लेकिन आपने 10 की डिडक्शन क्लेम किया था लेकिन आपको उस टाइम डिडक्शन मिली थी सिर्फ 7,000 और गवर्नमेंट ने आपसे 3,000 रुपए टैक्स ले लिया, और करंट ईयर में अगर आपको 4,000 रुपए जो है वो अनलेस रेंट अगर रिसीव हुआ ना तो इस 3 पे कोई भी टैक्स पे नहीं करना, आपको 1,000 रुपए ही अनरियलाइज रेंट आपको रिसीव माना जाएगा और इसमें से 30% की डिडक्शन मिल जाएगी जो सेल डिडक्शन होती है, तो 700 रुपए आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद है प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को ओनर, तो इसके अंदर जो है वो क्या होगा कि आप सबसे पहले क्या करोगे, पूरे घर की जो है वो इनकम निकाल लोगे और फिर उसको जो है वो क्या कर दोगे, बायफर्गेट कर दोगे। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर मान लो शेयर जो है ना हर को ओनर का वो पहले से डेफिनेट है, तो जैसे मान लो आपने पहले पूरे घर की जो है वो इनकम निकाली और इनकम आ गई मान लो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जो है वो आगे 3,00,000 रुपए और 3 पार्टनर डिवाइड बाय 3 कर दिया तो हर पार्टनर की 1,00,000 रुपए इनकम आ गई। लेकिन अगर मान लो जो उनका शेयर आपस में डेफिनेट नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, उस हाउस प्रॉपर्टी को टैक्स लगाओगे ऑन द बेस ऑफ द ईओपी, इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं करोगे, तो आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन उनकी मान लोगे उसके बेस पर उनके ऊपर टैक्स लगा दोगे। फिर आएगा जी आपका डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर वो पर्सन है जो एक्चुअल मालिक नहीं है लेकिन उसको मालिक मान लिया जाएगा, जैसे इंडिविजुअल जो ट्रांसफर करता है अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसीडरेशन हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस नॉट बीइंग अ ट्रांसफर इन कनेक्शन विद द एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट ऑफ द माइनर चाइल्ड नॉट बीइंग ए मैरिड डॉटर, तो फिर उस पर्सन को जो ट्रांसफर करने वाला बंदा उसी को उसका जो है वो ओनर माना जाएगा, या इम्पार्टिबल स्टेट का जो होल्डर होता है उसको भी जो है इसका ओनर माना जाएगा, या मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी या एओपी टू होम बिल्डिंग ऑफ द पार्ट दे अलॉट ऑफ द लीज अंडर द हाउस हाउस बिल्डिंग स्कीम, तो इसमें उस पर्सन को जो ट्रांसफर करने वाला पर्सन है उसी को हम डीम्ड ओनर मानते हैं, तो ये एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद सेट ऑफ द लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से आने वाला जो भी आपका लॉस होगा ना उसको आप जो है करंट ईयर में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से भी सेट ऑफ कर सकते हो और अदर इनकम से भी आप उसको जो है वो सेट ऑफ करवा सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कितना, 2,00,000 रुपए तक का। और अगर इस साल आपका पूरा जो लॉस है वो सेट ऑफ नहीं हुआ तो अगले 8 सालों में सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से आप उसको जो है सेट ऑफ करवा सकते हो। तो ये ध्यान रखना कि अगर सेटअप ऑफ द लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम शैल बी रिस्ट्रिक्टेड ₹2,00,000 फॉर एनी असेसमेंट ईयर। हाउएवर जो अनअब्सॉर्ब्ड लॉस होते हैं ना वो अलाउड है, आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगले कितने साल के लिए, सब्सिक्वेंट 8 ईयर्स के लिए, ये बात ध्यान रखना, कितने साल के लिए, 8 सालों के लिए। इसके बाद आएगा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन और पीजीबीपी में आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, अभी हम कैपिटल गेन के अलावा जो है वो पढ़ेंगे अगला, दैट इज द अदर सोर्सेस, पहले हम आएंगे अदर सोर्स पे। चलो अदर सोर्स में क्या आएगा, देखो जो चार हेड है आपके स्टार्टिंग के, कौन कौन सा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इन चारों में जो इनकम नहीं आती वो इनकम आपकी कहां पे टैक्सेबल होगी, आपकी अदर सोर्स में। तो अदर सोर्स के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले तो ये
इनकम ओवरहेड टैक्स अंडर दिस हेड, तो सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 के अंदर वो इनकम जो क्या होनी है टैक्सेबल, डिविडेंड की इनकम। पहले डिविडेंड आपका एग्जेम्प्ट था लेकिन अब लास्ट में इसमें पेज दिया हुआ है तो वहां वो मैं करवा दूंगा कि डिविडेंड की इनकम जो है वो अब सेक्शन 1034 को जो है वो हटा दिया, रिपील कर दिया, और सेक्शन 115 ओ को भी रिपील कर दिया। और अब अगर मान लो कोई भी पर्सन को इंडियन कंपनी से कोई डिविडेंड मिलेगा तो वो उसके हैंड में क्या है टैक्सेबल है, ये बात ध्यान रखना। इसमें और क्या कहेगा, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ये सब वो बता रखे कौन कौन सी इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर जो है वो क्या होगी टैक्सेबल होगी। और यहां पर यह बता रखे कौन कौन सी इनकम जो इनकम फ्रॉम अदर, या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी नहीं तो कहीं और जाएगी। अब इसमें मेन ये करवा देता हूं एक बार, ये कौन कौन सा है, ये आपको मैंने अमेंडमेंट के लेक्चर में करवा दिया था वैसे, तो ये देख लो एक बार। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, अगर आपका मेन काम जो है इंटरेस्ट इनकम चार्जेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अगर आपका मेन काम सिक्योरिटी के अंदर पैसा लगाना है ठीक है, तो वहां से आने वाली इनकम आपकी पीजीपी हेड में जाएगी, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लगाते हो तो इनकम टैक्सेबल होगी कहां पे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इसके बाद फिर ये था एक, अगर इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ द प्लांट एंड मशीन, अगर आपने प्लांट एंड मशीन फर्नीचर को जो है वो लेट आउट कर दिया, अगर आपका मेन काम ही है तो वो इनकम टैक्सेबल होगी कहां पे, आपके पीजीपी हेड में ठीक है, और अगर आपका मेन काम ये नहीं है तो फिर जाएगा कहां पे, आपके अदर सोर्स में। इसके बाद इनकम फ्रॉम लीजिंग, लीजिंग की जो इनकम है वो क्या, लीजिंग की इनकम आपकी टैक्सेबल होगी कहां पे, पीजीबी पे में। और अगर आपने फैक्ट्री को लीज आउट किया बिकॉज ऑफ परमानेंट क्लोजर, अगर आपने बिजनेस को क्या कर दिया, बंद ही कर दिया ठीक है ना, और उसके लिए आपने जो है फैक्ट्री को लीज आउट कर दिया, तो वहां से आने वाली इनकम आपकी टैक्सेबल होगी कहां पे, आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लेकिन अगर टेम्परेरी बेसिस पे किया तो वहां से आने वाली इनकम टैक्सेबल होगी कहां पे, पीजीबी पे। तो आपकी एक फैक्ट्री थी और आपने टेम्परेरी उसको किराए पे दे दिया तो वहां से आने वाली इनकम पीजीबी में, लेकिन परमानेंट अगर आपने बंद करना उसको किराए पे दे दिया तो फिर वो जाएगी कहां पे, आपके अदर सोर्स में। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए आपको जो है बता दिया था मैंने वैसे क्लास में, कीमैन एम्प्लॉयर जो है वो अपने मेन बंदे का, मेन एम्प्लॉय का जो है वो इंश्योरेंस करवा लेता है, उसके लिए उस पॉलिसी को बोलते हैं कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से अगर कोई पैसा मिलेगा, अगर वो मिलता है एम्प्लॉयर को तो उसकी वो इनकम है पीजीबी पे हेड में, अगर मिलता है एम्प्लॉय को तो टैक्सेबल होगा सैलरी हेड में, और अगर मिलता है एम्प्लॉय के घर वालों को तो टैक्सेबल होगा कहां पे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। दूसरा एमपीएमएलए को जो अगर उसको सैलरी मिलती है तो टैक्सेबल होगा कहां पे, अदर सोर्स में। लेकिन एमपीएमएलए को मिलने वाले जो अलाउंसेस होते हैं वो सारे के सारे जो है वो क्या होते हैं, उनके लिए एग्जेम्प्ट होते हैं। चलो अब यहां पे डिविडेंड का देखा है वो मैं आगे करवाता हूं एक बार, डिविडेंड से पहले आप यहां पे आ जाओ गिफ्ट का। अगर मान लो आपको प्रीवियस ईयर में जो है वो कोई भी गिफ्ट मिलता है ठीक है, रिलेटिव से नहीं किसी और से, तो आपको क्या करना है पूरे साल में जितना भी कैश में गिफ्ट मिला वो सबको जोड़ लो, अगर वो अमाउंट जो 50,000 रुपए से ज्यादा है तो होल अमाउंट आपके लिए क्या हो जाएगा टैक्सेबल। 50,002 रुपए भी अगर गिफ्ट मिला ना, 50,002 रुपए, तो 2 रुपए की जैसे पूरा का पूरा 50,000 का अमाउंट जो आपके लिए क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। एग्रीगेट बेसिस पे देखना है, अगर आपको प्रीवियस ईयर में कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट मिलती है तो आप ये देखो उसकी वैल्यू निकाल लो, अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी का जो फेयर मार्केट वैल्यू सारे मिला करके अगर 50,000 एग्रीगेट पूरे साल में आपको मोबाइल मिला अंडरस्टैंड कई सारी चीजें मिली, अगर मोबाइल प्रॉपर्टी का टोटल वैल्यू जो है वो 50,000 रुपए से क्या है ज्यादा है तो होल अमाउंट आपके लिए क्या हो जाएगा टैक्सेबल। वही अगर बात करूंगा इमोबल प्रॉपर्टी, तो यहां पे जो कंपटीशन होगा वो कैसे होगा, सेपरेट बेसिस पे होगा, अलग अलग कंपटीशन इंडिविजुअल बेसिस पे कंपटीशन किया जाएगा। और अगर मान लो एक इमोबल प्रॉपर्टी अगर आपको प्रीवियस ईयर में कोई गिफ्ट में मिली है तो उसकी जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है तो होल अमाउंट आपके लिए क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना ठीक है ना। इसके बाद में फिर है आपका ये ध्यान देना, इमोबल प्रॉपर्टी रिसीव फॉर द कंसीडरेशन विच इज लेस देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ठीक है, तो आपके लिए जो है वो 50,000 रुपया या 10% ऑफ द कंसीडरेशन अमाउंट ठीक है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे रिमेनिंग अमाउंट जो रहेगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा टैक्सेबल। क्लासरूम के अंदर पूरा का पूरा आपको मैंने इसमें करवाया था ये ध्यान रखना। लेकिन इन लोगों से अगर गिफ्ट मिलेगा तो वो आपके लिए क्या रहेगा एग्जेम्प्ट रहेगा, द गिफ्ट शेल नोट बी टैक्सेबल, मतलब एग्जेम्प्ट रहेगा इन द फॉलोइंग केस। पहला ओकेजन ऑफ द मैरिज, अगर मैरिज ओकेजन पर कोई गिफ्ट मिलता है एग्जेम्प्ट है। इन कंटेम्पलेशन ऑफ द डेथ ऑफ द डोनर या अंडर द विल या फ्रॉम द रिलेटिव या फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी या पब्लिक और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से अगर कोई गिफ्ट मिला या ओन डिस्ट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ टोटल पार्टीशन ऑफ द एचएफ इन केस ऑफ प्रॉपर्टी स्टॉक हेल्ड स्टॉक इन ट्रेड या मनी या प्रॉपर्टी रिसीव इन द स्कीम ऑफ अमलगमेशन डीमर्जर दिए या शेयर रिसीव एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन डीमर्जर फॉरन कंपनी, यहां से अगर कुछ मिलता है तो ये सब अमाउंट जो है वो क्या रहेगा आपका एग्जेम्प्ट रहेगा। तो अगर आपको गिफ्ट मिलता है रिलेटिव से तो वो क्या रहेगा एग्जेम्प्ट रहेगा। तो ये बता रखा है रिलेटिव की कैटेगरी के अंदर कौन कौन आता है ये सब। इसके बाद में आएगा गिफ्ट का, ये आपको वैसे मैंने बता दिया। अगर गिफ्ट मिलता है मनी के अंदर तो होल अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा अगर वो पूरा अमाउंट जो है वो 50,000 रुपए से क्या करेगा एक्सीड कर गया। मूवेबल प्रॉपर्टी मिला तो यहां पे देखना पड़ेगा एग्रीगेटली जो है अगर उसका फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो क्या हो गया 50,000 रुपए ज्यादा है तो होल अमाउंट क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। वही अगर बात करेंगे इमोबल प्रॉपर्टी का तो वहां पे अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इंडिविजुअल बेसिस पे तो यहां पे कंपटीशन होगा इंडिविजुअल बेसिस पे अगर उसका जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो 50,000 रुपए से ज्यादा है तो होल अमाउंट क्या हो जाएगा आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद में आएगा ये इंटरेस्ट की इनकम टैक्सेबल है कहां पे
अदर सोर्स में, इनकम फ्रॉम टीनेट फॉर सबलेटिंग टैक्सेबल अदर सोर्स में, रेमुनेशन रिसीव बाय द टीचर द लोअर टैक्सेबल है कहां, अदर सोर्स में, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी अदर सोर्स, डायरेक्टर फीस अगर डायरेक्टर को मीटिंग के अंदर बैठने का, डायरेक्टर मीटिंग में बैठने का कोई फीस मिलता है वो टैक्सेबल होगा कहां, अदर सोर्स में, रेंट ऑफ लैंड नॉट अपर्टेंट टू एनी बिल्डिंग टैक्सेबल अदर सोर्स, एग्रीकल्चर इनकम जो है वो टैक्सेबल होगा कहां, अदर सोर्स में, अगर एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया है, इन इंडिया नहीं, फॉरन एग्रीकल्चर इनकम अगर मिलती है तो टैक्सेबल है कहां, अदर सोर्स में, इनकम फ्रॉम मार्केट फेरी फिशरी अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम लीजर प्रॉपर्टी अदर सोर्स, रेमुनेशन रिसीव होता है अगर आपको किसके लिए, फॉर राइटिंग आर्टिकल जनरल, तो ये कहां, अदर सोर्स में, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स से अगर मान लो को इनकम मिलती है अनडिस्क्लोज सोर्स से तो ये इनकम टैक्सेबल होगा कहां, अदर सोर्स में, अनडिस्क्लोज सोर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कैश क्रेडिट हो गया, मतलब जिसके लिए आपके पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो डीम्ड इनकम आपके मान ली जाती है तो वो टैक्सेबल होगा कहां पे, अदर सोर्स में, इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव मिलता है एम्प्लॉई को ऑन हिज ओन कंट्रीब्यूशन टू द यूआरपीएफ पे तो टैक्सेबल अदर सोर्स में, सैलरी एमपी एमएलए का सैलरी टैक्सेबल है कहां, अदर सोर्स, इंश्योरेंस कमीशन नोट कोई इंश्योरेंस कमीशन मिला जो पीजीपी पे हेड में टैक्सेबल नहीं था तो मिले टैक्सेबल होगा कहां, अदर सोर्स में, रेंट ऑफ ट्रेडमार्क हो गया, डायरेक्टर कमीशन फॉर गिविंग गारंटी टू बैंक, डायरेक्टर कमीशन फॉर अंडरराइटिंग शेयर ऑफ न्यू कंपनी, ग्रेजुएटी रिसीव बाय डायरेक्टर हु इज नॉट एन एम्प्लॉय द कंपनी या फैमिली पेंशन, ये सब अगर आपको मिलेगा टैक्सेबल होगा कहां पे आपके, अदर सोर्स में। इसके बाद में फिर है जी आपका ACCA से अगर नेशनल सेविंग स्कीम से अगर आपने कोई पैसा विड्रॉ किया तो वो टैक्सेबल होगा कहां पे आपका, अदर सोर्स में। आप क्रिएटर को अगर कोई पैसा मिलता है तो उनके लिए जो है वो क्या, टेस्ट मैच का अगर जो भी पैसा मिलेगा, इंडिया में कोई टेस्ट मैच हुआ उसका कोई पैसा मिला तो जितना भी पैसा मिलेगा 75% क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इंडिया में और कोई मैच खेले हैं 20-20 खेला या 50-50 खेला तो वो सारा पैसा क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। इंडिया के बाहर अगर कोई भी मैच खेल गएंगे तो जितना भी पैसा मिला उसका 50% एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 50% टैक्सेबल हो जाएगा। अब इसके अलावा कोई कुछ ऐसी इनकम है जो क्या है, जो स्पेशल तरह की इनकम, पहला इनकम फ्रॉम यूनिट और स्पेसिफिक कंपनी म्यूचुअल फंड, अगर म्यूचुअल फंड से या स्पेसिफिक कंपनी से कोई भी इनकम मिलती है तो वो आपके लिए जो क्या रहेगी, फुली एग्जेम्प्ट रहेगा। दूसरा विनिंग फ्रॉम लॉटरी जो पूरी तरह से क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा, लेकिन अगर विनिंग फ्रॉम लॉटरी कार्डवर्ड ये कार्ड गेम हो गया या क्रॉसवर्ड पजल हो गया अगर इनसे मिलने वाला पैसा 10,000 रुपए से ज्यादा है तो फिर टीडीएस भी काटना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 30%। आगे फिर है जी आपका ये डिडक्शन, जब आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कंप्यूट करोगे तो ये डिडक्शन आपको मिलेगा, पहला इन केस ऑफ इंटरेस्ट और सिक्योरिटी डिविडेंड एनी रीजनेबल सम पेड बाय वे ऑफ कमीशन, अगर मान लो आपने इंटरेस्ट को कमाने के लिए कोई कमीशन का अमाउंट पे किया तो उसके आपको डिडक्शन मिलेगा। दूसरा अगर आपने कोई सिक्योरिटी को परचेज करने के लिए कोई लोन लिया था वो सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी से आने वाले जो इंटरेस्ट इनकम है वो टैक्सेबल है अदर सोर्स में, और सिक्योरिटी को परचेज करने के लिए कोई लोन लिया उसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट पे करोगे तो वो उसकी भी आपको क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। अगर आपने कोई पैसा कॉन्ट्रीब्यूट किया प्रोविडेंट फंड में, देखिए ठीक है, जो ट्रीट किया गया एज एन इनकम ऑफ एसेसी तो वो भी आप उसको एग्जाम करवा सकते हो कहां पे आपका, अदर सोर्स में। इन केस ऑफ इनकम ऑफ लेटिंग ऑफ मशीन, अगर आपने जो है मशीनरी को क्या किया, लेट आउट किया और वहां से कंपोजिट इनकम को मिली तो टैक्सेबल कहां है, अदर सोर्स में। लेकिन अगर मशीन से रिलेटेड कोई खर्चा है तो उसकी डिडक्शन मिलेगी कहां पे आपको, अदर सोर्स में। इसके बाद में है जी आपका फैमिली पेंशन, अगर मान लो आपको फैमिली पेंशन मिलती है तो जितना भी फैमिली पेंशन मिला उसका 1/3 या फिर 15,000 विच एवर इज लेस दोनों में से जो भी कम होगा उसकी डिडक्शन मिलेगी कहां पे, अदर सोर्स में। अगर आपको आपने कोई प्रॉपर्टी को पहले किराए पे लिया उसको आगे दोबारा सबलेट कर दिया तो सबलेट करने पर जो भी खर्चा आपका हुआ जैसे रेंट का एक पोर्शन ठीक है या फिर बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो गया कोई भी खर्चा तो उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी कहां, अदर सोर्स की कंपटीशन करते हुए ठीक है। या कोई और खर्चा अदर सोर्स में आने वाली इनकम को कमाने के लिए कोई भी खर्चा किया तो उसकी डिडक्शन मिलेगी कहां पे आपका, अदर सोर्स में। इसके बाद अगर आपको जो है वो एनहांस कंपनसेशन मिलता है ठीक है ना उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट मिला तो वो इंटरेस्ट की इनकम आपकी टैक्सेबल है कहां, अदर सोर्स में, और उसमें से फ्लैट 50% की क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। तो ये बात ध्यान रखना फ्रॉम इंटरेस्ट रिसीव ऑन कंपनसेशन, अगर गवर्नमेंट आपका घर एक्वायर कर लिया था और आपको गवर्नमेंट ने कंपनसेशन दिया तो कंपनसेशन का अमाउंट जाता है कहां, कैपिटल गेन में, एनहांस कंपनसेशन कैपिटल गेन में। लेकिन एनहांस कंपनसेशन के साथ में कोई इंटरेस्ट मिला तो वो इंटरेस्ट की इनकम टैक्सेबल है कहां, अदर सोर्स में, और उसमें से फ्लैट 50% जो है वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। तो क्या बोलते हैं, फ्रॉम इंटरेस्ट रिसीव ऑन कंपनसेशन और एनहांस कंपनसेशन 50% ऑफ सच इनकम शैल बी डिडक्टेड एंड नो अदर डिडक्शन शैल अलाउड इन दिस रिस्पेक्ट। इसके अब आएगा डिविडेंड इनकम, सबसे मेन तो डिविडेंड इनकम का खेल है, अब वो करवाता हूं पहले। अच्छा उससे पहले ये सेक्शन 58, इन खर्चों की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, कौन कौन सा, अगर कोई पर्सनल नेचर का खर्चा है उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगा। कोई इंटरेस्ट चार्जेबल, अगर मान लो कोई इंटरेस्ट आपने पे किया लेकिन टीडीएस नहीं काटा उसके ऊपर तो उसकी जब टीडीएस काटना था तो उसकी भी कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। वेल टैक्स का डिडक्शन नहीं है, अगर आपने कैश पेमेंट 10,000 या 35,000 से फालतू कर दिया, कैश पेमेंट कर दिया तो उसकी भी डिडक्शन नहीं होगा। कोई भी आपने खर्चा किया है कैजुअल इनकम को कमाने में उसकी भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। या कोई भी ऐसा इनकम को कमाने में खर्चा कर दिया जो इनकम ही एग्जेम्प्ट है तो उससे रिलेटेड खर्चे की भी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। फिर बॉन्ड वॉशिंग तो मैंने करवा दिया था, अब आएगा जी सबसे मेन डेट इज अमेंडमेंट फॉर टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड। इसके लिए जो क्या है, इसके लिए आएगा सेक्शन 115 ओ, वो है सीडीडी का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या फिर कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो 2020 के अंदर जो है डीडीडी को पूरी तरह से क्या कर दिया, एबोलिश कर दिया, तो अब ये तो हट गया ठीक है ना।
अब सेक्शन 34 और सेक्शन 115 डबल बी डीए को एक साथ पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 10 34 जो ये बोलता था अगर प्रीवियस ईयर के अंदर अगर आपको कोई भी डिविडेंड मिलता है किसी कंपनी से 10 लाख रुपए तक तो 10 लाख रुपए तक एक्सेम्प्ट है उसके ऊपर का टैक्सेबल। अब इस 10 34 को भी हटा दिया और अब ये बोल दिया कि अगर आपको इंडियन कंपनी से कोई भी डिविडेंड मिलेगा तो होल अमाउंट जो आपके लिए एंड में क्या रहेगा टैक्सेबल रहेगा। तो ये बात ध्यान रखना डीम डिविडेंड मिलता है पूरा टैक्सेबल है, फाइनल डिविडेंड मिलेगा फुली टैक्सेबल है, इंटरिम डिविडेंड मिलेगा फुली क्या रहेगा टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, स्कीम ऑफ डिविडेंड जो है वो मॉडिफाई किया गया। अब इसमें जो है वो क्या बोला गया डीडीटी जो था सेक्शन 115 में इस एप्लीकेबल था सिर्फ 31 मार्च 2020 तक, उसके बाद क्या कर दिया हटा दिया गया। दूसरा डिविडेंड अब लायबल है टू द डिडक्शन ऑफ द टीडीएस, अब डिविडेंड के ऊपर भी जो है वो क्या कटेगा टीडीएस कटेगा। अब यहां पे सेक्शन 10-34 जो था ना उसको क्या कर दिया विड्रॉ कर दिया, जो पहले ये बोलता था कि डिविडेंड की इनकम जो है वो क्या रहेगी आपकी एग्जेम्प्ट रहेगी, तो अब क्या बोलते हैं डिविडेंड जो है वो क्या रहेगा टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, अब कितना अब डिविडेंड की जब इनकम टैक्सेबल है तो उसके लिए कुछ खर्चे की रिडक्शन मिलेगी और वो जो है वो कितनी है कि जितना भी डिविडेंड इनकम है उसका मैक्सिमम 20% तक जो है वो आपको क्या मिल जाएगा एग्जेम्प्शन मिल जाएगा। अब टैक्सेशन क्या है शेयर होल्डर के लिए, तो क्या 10-34 में पहले क्या था कि जितना भी आपको डिविडेंड मिलता था तो उसका थ्रेशोल्ड लिमिट था आपने कितना 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तक किसी एक कंपनी से अगर मुझे डिविडेंड मिला तो मेरा क्या रहेगा एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन अब 10-34 हटा दिया तो एक कंडीशन भी हट गया, तो अब जो है कंडीशन वो क्या कि जितना भी डिविडेंड अगर आपको मान लो इंडियन कंपनी से मिलेगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आज भी अगर म्यूचुअल फंड से अगर या वेंचर कैपिटल से अगर कोई डिविडेंड इनकम मिलती है वो आज भी पूरी पूरी क्या है एग्जेम्प्ट है, जो पॉइंट नंबर सेकंड मैंने आपको करवाया कि म्यूचुअल फंड यूनिट से अगर कोई पैसा मिलता है वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर इंडियन कंपनी से शेयर्स के ऊपर कोई डिविडेंड मिलता है वो क्या रहेगा आपके लिए टैक्सेबल रहेगा। चलो जी ये एक बार रीडिंग कर लेना। इसके बाद अब आएगा जी आपका पीजीबीपी और जो आपका डिडक्शन है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी करते हैं आगे वाला जो छुटमुट चैप्टर कुछ पेंडिंग है वो निपटवा देता हूं। सबसे पहले पढ़ते हैं एएमटी। एएमटी इज द अल्टीमेट मिनिमम टैक्स, इसका क्वेश्चन जो है लास्ट टाइम भी जो है पूछा था, तो इसको जो है वो डील करते हैं सेक्शन 115 जेसी। एएमटी ये बोलता है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर में इनकम का कंप्यूटेशन करने में सेक्शन 80IA से लेके 80RRB की कोई भी डिडक्शन को अगर क्लेम किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जो है वो इनकम टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको जो है वो एक बार AMT निकालना पड़ेगा। अगर आपका टोटल टैक्स जो है जो आपका आपने पे करना है नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से अगर वो AMT से कम है तो आपको फिर AMT पे करना पड़ेगा और AMT का जो रेट है वो कितना 18.5%। तो ये क्या बोलते हैं ऑल असेसी एक्सेप्ट कंपनी, क्योंकि कंपनी के लिए जो प्रोविजन है वो कौन सा है मैट का, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का। लेकिन कंपनी के अलावा जो भी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है उन सबके ऊपर एप्लीकेबल है कौन सा AMT अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो बोलते हैं सभी एसएससी एक्सेप्ट द कंपनी आर लायबल टू पे AMT, अगर टैक्स पेबल जो है ना अंडर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स लेस देन AMT तो AMT विल अप्लाई टू एसएससी क्लेमिंग द प्रॉफिट लिंक डिडक्शन 80IA से 80RRB। तो अगर कोई भी एसएससी ने 80IA से लेके 80RRB की डिडक्शन को क्लेम किया तो उस एसएससी को जो है नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स निकालना पड़ेगा और साथ में AMT के हिसाब से भी जो उसको टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा। ठीक है जी, लेकिन AMT का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख रुपए से क्या है कम है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। अब रेट क्या रहेगा AMT का, तो वो रहेगा जी आपका नॉन कॉर्पोरेट के लिए 18.5% और अगर आपकी कंपनी लोकेटेड है कहां पे IFSC में, ठीक है ना, तो आपके लिए टैक्स रेट जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका 9% रहेगा। फिर सरचार्ज भी आपको पे करना पड़ेगा, अब सरचार्ज का जो रेट है वो क्या है, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ रुपए देखें सरचार्ज है टोटल कितना टोटल टैक्स का 10%, अगर आपकी इनकम जो है वो 1 करोड़ रुपए से ऊपर है ठीक है और 2 करोड़ रुपए तक है तो सरचार्ज 15, 2 से ऊपर 5 तक है तो 25 और 5 से ऊपर है तो कितना 37, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो है वो कितना 12% है 1 करोड़ से ऊपर होते ही। इसके बाद आप निकालेंगे कैसे, एडजस्टेड टोटल इनकम पहले निकालना पड़ेगा, पहले आप टोटल इनकम निकालो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से, फिर जो भी रिडक्शन आपने क्लेम करी है उनको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, ऐड करने पर आपकी आ जाएगी क्या एडजस्टेड टोटल इनकम और इसके ऊपर हम लोग जो है वो क्या लगा लेंगे AMT निकालेंगे, फिर वो टैक्स ले लो और नॉर्मल प्रोविजन का टैक्स ले लो, दोनों को आपस में कंपेयर करो, जो ज्यादा है वो आपको क्या करना पड़ेगा पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये बता रखा है सबसे पहले कंप्यूट करो टोटल टैक्स टोटल इनकम एज पर द नॉर्मल प्रोविजन और उसके ऊपर क्या निकालो इनकम टैक्स निकाल लो, मान लो ये इनकम टैक्स आ गया आपका 1 लाख रुपए, फिर आपको क्या करना पड़ेगा एडजस्टेड टोटल इनकम निकाल लो और उसके ऊपर टैक्स निकाल लो 18.5% के हिसाब से, ये मान लो आ गया आपका 1,30,000 रुपए, तो कौन सा अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है वो क्या आ गया ज्यादा आ गया तो आपको अब ये पे करना पड़ेगा, तो 30,000 जो आपने फालतू पे कर दिया ना ये है आपका AMT का क्रेडिट और इसको आप आगे आने वाले सालों के अंदर जो है आप इसकी डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हो, तो वही है टैक्स क्रेडिट। तो ये क्या बोलते हैं AMT पेड इन एक्सेस रेगुलर इनकम टैक्स से ऊपर अगर आपने कोई भी टैक्स पेमेंट कर दिया तो वो AMT का क्रेडिट होगा और उसकी आप आगे अगले 15 सालों तक जो है वो रिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है ना,
इसके बाद आएगा आपका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का। तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के लिए सबसे पहले तो आपका डीम्ड इनकम बता दिया। तो डीम्ड इनकम कौन सी है, जो आपकी इनकम नहीं है लेकिन उसको आपकी इनकम मान लिया जाएगा। जैसे कैश क्रेडिट, अगर आपके खाते के अंदर जो है वो कुछ एंट्री अब पाई गई है, हमने पूछा है पैसा कहां से और आप उसका कोई सेटिस्फेक्ट्री आंसर नहीं दे पाए। दूसरा अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, हमने पूछा है पैसा कहां से और आप उसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट आपने लगा रखी है इसका पैसा कहां से और आप उसका जवाब नहीं दे पाए। अनएक्सप्लेन मनी, आपके घर पे कैश मिला बहुत सारा और हमने पूछा है पैसा कहां से है और आप जवाब नहीं दे पाए। अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, किताबों के अंदर आपने जो है वो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट टोटल शो नहीं कर रखा था लेकिन आपके नाम पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है, हमने पूछा पैसा कहां से है, जवाब नहीं दे पाए। अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, आपने खूब सारा एक्सपेंडिचर कर दिया, बहुत बड़ी कोठी बनाई है और ओडी मर्सिडीज मजराटी और BMW जैगुआर बहुत सारी गाड़ियां भी आप ले, हमने पूछा भाई इतना पैसा कहां से है, आपको जवाब नहीं दे पाए। या अमाउंट आपने बोरो किया, रीपे किया हुंडी का, आपने किसी पर्सन को बहुत सारा पैसा उधार के तौर पे दे दिया मान लीजिए, हमने पूछा पैसा कहां से है, जवाब नहीं दे पाए। तो ये सारी इनकम आपकी डीम्ड इनकम मान ली जाएगी और इसके ऊपर फ्लैट 60% की रेट से जो है वो क्या लगेगा, टैक्स। इनकम अंडर द अबव सेक्शन शैल बी टैक्स अंडर सेक्शन एट द रेट 60% 115BE के हिसाब से, ठीक है। और इनके खिलाफ कोई भी लॉस अगर आपका हुआ था तो उसके सेट ऑफ की कोई भी आपको जो है वो रिडक्शन नहीं मिलेगी। अब आएगा जी आपका इंटरसोर्ट एडजस्टमेंट, उसको डील करता है आपका सेक्शन 70, फिर इंटर हेड एडजस्टमेंट डील करता है सेक्शन 71 और कैरी फॉरवर्ड एंड लॉसेस ये सब, ठीक है। अब एक एक करके अपने को जो है पढ़ना पड़ेगा। अगर हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी लॉस हो गया तो सबसे पहले तो अदर हाउस प्रॉपर्टी इनकम से उसको सेट ऑफ करेंगे, नहीं हुआ तो अदर हेड की इनकम से उसको जो है वो सेट ऑफ करेंगे लेकिन मैक्सिमम कितना 2,00,000 रुपए तक का। अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो अगले 8 सालों के लिए उसको क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। और कैरी फॉरवर्ड जब करेंगे तो ये बात ध्यान रखना आगे वो हमेशा हाउस प्रॉपर्टी से ही आप उसको जो है सेट ऑफ कर सकते हो, सैलरी हेड से तो लॉस आएगा नहीं तो इसलिए उसको काउंट नहीं किया। इसके बाद अगर आपका कोई पीजीबीपी की इनकम आई और पीजीबीपी से कोई लॉस हो गया तो उसको अदर जो बिजनेस है उनसे आप सेट ऑफ करोगे, हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो आप जो है उसको अदर हेड से भी कर सकते हो लेकिन सैलरी से बिजनेस के लॉस को सैलरी की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर नहीं हुआ तो उसको आगे आप क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड करोगे अगले 8 सालों के लिए, ठीक है। और उस अगले 8 सालों में आप उसको सिर्फ बिजनेस हेड की इनकम से सेट ऑफ करोगे लेकिन बिजनेस में कोई भी हो, चाहे नॉर्मल बिजनेस से कर लो चाहे स्पेसिफाइड से कर लो, ये बात ध्यान रखना। फिर स्पेकुलेशन बिजनेस से अगर आपका कोई लॉस आ गया तो उसको आप करंट ईयर में स्पेकुलेटिव अदर किसी स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ करोगे, हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उसको किसी और से सेट ऑफ नहीं कर सकते, फिर उसको आपके आपको आगे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा अगले 4 सालों में और अगले 4 सालों में स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही आप उसको जो है वो क्या करोगे, सेट ऑफ करोगे। इसके बाद अगर आपने आपका कोई स्पेसिफाइड बिजनेस था और वहां से जो है वो क्या हुआ, कोई लॉस आ गया तो उसको आप करंट ईयर में जो है वो क्या करोगे, उसको सेट ऑफ करोगे किसी दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस से, हो गया तो ठीक, नहीं तो किसी और से नहीं कर सकते। और अगले आने वाले सालों के अंदर भी जो आप उसको फिर कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, कितने साल के लिए, अनलिमिटेड पीरियड के लिए, एनी नंबर ऑफ ईयर के लिए, बात ध्यान रखना। और आगे लेकिन ना उसको सेट ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस से ही कर सकते हो। अगर प्रीवियस ईयर में कोई अनअजॉर्ड डेप्रिसिएशन रह गया तो उसको आप जो है वो क्या कर सकते हो, किसी अदर हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, नहीं हुआ तो बाकी इनकम बाकी हेड की इनकम मतलब पीजीबीपी से सेट ऑफ कर सकते हो, नहीं हुआ तो बाकी से भी सेट ऑफ कर सकते हो सैलरी को छोड़ के, और नहीं हुआ तो अनलिमिटेड पीरियड के लिए आगे आप उसको जो है वो क्या कर सकते हो, एडजॉन मतलब उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और आगे भी किसी भी इनकम से आप उसको सेट ऑफ करवा सकते हो एक्सेप्ट द सैलरी। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को करंट ईयर में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों में से सेट ऑफ करवा सकते हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो अगले 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे और अगले 8 सालों में भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ करवा सकते हो। अगर आपको करंट ईयर में कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया तो उसको करंट ईयर में सिर्फ अदर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ करवा सकते हो, नहीं हुआ तो अगले 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे और अगले 8 सालों में सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ करवा सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस था ओइंग एंड मैटरिंग द रिसोर्स तो इसको जो है आप करंट ईयर में इसी कोई दूसरे इसी तरीके का ओइंग एंड मेंटेनिंग द रिसोर्स के बिजनेस से ही सेट ऑफ करवा सकते हो गया तो ठीक, बाकी से नहीं करवा सकते और अगले 4 साल के लिए इसको कैरी फॉरवर्ड करोगे। 4 साल में जो अगले 4 सालों में इस लॉस को दूसरे किसी ओइंग एंड मेंटेनिंग द रिसोर्स वाले बिजनेस से आप सेट ऑफ करवा लोगे, नहीं हुआ तो वो लैप्स हो जाएगा। तो ऑर्डर जो है वो क्या रहेगा, तो ये बता रखा है सबसे पहले करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को जो है वो आप क्या करेंगे, क्लेम करेंगे, ठीक है। उसके अब्रॉड फॉरवर्ड लॉस जो है पीजीबीपी का वो लेके आएंगे, फिर अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आएगा, फिर अनअब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक ओन साइंटिफिक रिसर्च और फिर लास्ट में आएगा अनअब्सॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर ऑन द फैमिली प्लानिंग। तो ये आपका जो है वो क्या रहेगा, सीक्वेंस रहेगा। तो ये बात ध्यान रखना कि करंट ईयर में पीजीबीपी की इनकम को जब आप कंप्यूट करेंगे तो इस तरीके से आप जो है पहले क्या करोगे, सेट ऑफ करोगे। इसके बाद नया प्रोविजन आता है, डेट इज अ क्लबिंग। क्लबिंग का प्रोविजन जो है वो क्या बोलते हैं, अगर इसकी बात करते हैं क्लबिंग का, तो क्लबिंग ये बोलता है, इसको लेके आया गया बेसिकली एंटी अवॉइडेंस टैक्स के लिए, मतलब टैक्स का जो अवॉइड लोग टैक्स को क्या चोरी करते हैं, ठीक है, तो उससे बचाने के लिए क्लबिंग के प्रोविजन को जो है लाया गया। अब क्लबिंग के लिए जो है वो क्या बोलते हैं, देखो एक बार
क्लबिंग के प्रोविजन ये बोलता है सबसे पहला ट्रांसफर ऑफ द इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ द एसेट। अगर प्रीवियस ईयर में आपने कोई इनकम ट्रांसफर कर दिया लेकिन एसेट को ट्रांसफर नहीं किया तो जो ट्रांसफरर है वो इनकम जो आपने ट्रांसफरी के हैंड में ट्रांसफर कर दिया था वो ट्रांसफरर के हैंड में टैक्सेबल रहेगा। जैसे हस्बैंड ने अपने कोई हस्बैंड ने इनकम कमाई लेकिन हस्बैंड को लग रहा है अगर मैं इसको अपने इनकम में जोड़ लूंगा तो मेरा टैक्स ज्यादा आ जाएगा, तो उसने क्या किया वो इनकम वाइफ के नाम पर ट्रांसफर कर दिया लेकिन एसेट ट्रांसफर नहीं किया तो वो इनकम हस्बैंड की माना जाएगा, वाइफ की इनकम नहीं माना जाएगा। दूसरा, अगर रिवोकेबल ट्रांसफर किया गया, अब एसेट भी ट्रांसफर कर दिया लेकिन रिवोकेबल नेचर किया जिसमें हस्बैंड के पास राइट है कि वो कभी भी इस ट्रांसफर को रिवोक कर सकते हैं तो भी वो इनकम हस्बैंड की मानी जाएगी, वो वाइफ की इनकम नहीं मानी जाएगी। इनकम ऑफ स्पाउस, स्पाउस की जो इनकम होती है अगर मान लो बाय वे ऑफ सैलरी कम, अगर स्पाउस ने कहीं पे जॉब कर रही है और वहां से अगर उसने कोई पैसा कमाया तो वो इनकम स्पाउस की ही मानी जाएगी, बशर्ते बशर्ते कि उसने वो पैसा अपने कैलिबर के बेस पर कमाया हो। लेकिन अगर मान लो एसएससी जो है उसका किसी कंपनी के अंदर जो है वो क्या था, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था और वहां पे उसने अपनी वाइफ को लगवा दिया और वहां से वो कोई पैसा कमा रही है तो वो इनकम एसएससी की इनकम मानी जाएगी ना कि उसकी वाइफ की इनकम मानी जाएगी, ये बात थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अगर अपने क्वालिफिकेशन के बेस पर पैसा कमाया तो स्पाउस की मानी जाएगी, नहीं तो एसएससी की इनकम मानी जाएगी। दूसरा, इनकम ऑफ डॉटर इन लॉ फ्रॉम एसेट, अगर आपने अपनी डॉटर इन लॉ के लॉ को जो है वो कोई एसेट ट्रांसफर कर दिया था 31 मई 1973 के बाद में विदाउट द एडिक्वेट कंसीडरेशन तो वहां से आने वाली इनकम को जो है वो आपकी इनकम में टैक्सेबल किया जाएगा। इनकम अराइजिंग फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर बाय द इंडिविजुअल टू एनी पर्सन एसोसिएशन विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज और हर स्पाउस इज इंक्लूड द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। अगर एसएससी ने जो है वो अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी एसोसिएशन के नाम पर ट्रांसफर कर दिया और ये बोल दिया यहां से आने वाला जो भी बेनिफिट है वो मेरी वाइफ को दे देना तो वो बेनिफिट जो है वो एसएससी के नाम पर टैक्सेबल हो जाएगा। आगे, इनकम अराइजिंग ऑन एनी पर्सन और एओपी, अगर मान लो आपने ये जो एसेट ट्रांसफर किया अपने सन वाइफ के लिए कर दी, ठीक है, तो वहां से भी जो इनकम आएगी वो आपके हैंड में जो है टैक्सेबल मानी जाएगी। एचएफ, एनी इनकम ऑफ द एचएफ फ्रॉम द सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर ऑफ द एचएफ, अगर आप एचएफ के मेंबर थे और आपने अपनी प्रॉपर्टी जो वो एचएफ के नाम पे ट्रांसफर कर दी और उससे कुछ पैसा नहीं लिया तो उस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम एचएफ की नहीं मानी जाएगी, वो आपकी मेंबर की इनकम मानी जाएगी। आगे, इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर करता है कोई एसेट टू द स्पाउस को या सनवाइफ को और वो एसेट जो है वो इन्वेस्ट कर दी जाती है ट्रांसफरी के द्वारा इन एनी बिजनेस प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ द ट्रांसफरी विल बी इंक्लूड इन द इनकम ऑफ द ट्रांसफर, तो ये बात ध्यान रखना। इसके बाद माइनर चाइल्ड की इनकम के लिए कुछ यहां पर बता रखा है, ध्यान दो एक बार, डीम्ड ओनरशिप वाला ट्रांसफर टू ए स्पाउस, अगर आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर कर दी किसको, स्पाउस के नाम पे, ठीक है, तो प्रोविजन क्या बोलते हैं, इस केस में जो ट्रांसफरर है उसी की वो इनकम मानी जाएगी, ट्रांसफर की इनकम नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर मान लो लिव अपार्ट वाला केस हो गया, अगर मान लो उनका कोर्ट में पंगा चल रहा है और कोर्ट ने बोला कि आप इनको प्रॉपर्टी दे दो और आपने उस प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम पर ट्रांसफर की और ये बोल दिया कि अब आगे से मैं आपके साथ में नहीं रहूंगा, तो फिर वो प्रॉपर्टी वाइफ की प्रॉपर्टी मानी जाएगी और उससे आने वाली इनकम भी वाइफ की मानी जाएगी, ठीक है, तो उस केस को छोड़ के बाकी अगर आपने अपने वाइफ के नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, ठीक है, और लिव अपार्ट वाला केस नहीं है तो वो वहां से आने वाली इनकम हस्बैंड की टैक्स मानी जाएगी, वाइफ के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। दूसरा, अगर आपने अपने कोई भी प्रॉपर्टी अपने माइनर चाइल्ड के नाम पे ट्रांसफर कर दिया तो वहां से आने वाली इनकम भी आपकी इनकम में ही टैक्सेबल होगी, ना कि माइनर चाइल्ड की इनकम मानी जाएगी। लेकिन अगर आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी मैरिड माइनर डॉटर के नाम पे अगर ट्रांसफर कर दी है तो वहां से आने वाली इनकम मैरिड माइनर डॉटर की मानी जाएगी, वो आपकी इनकम में टैक्सेबल नहीं होगी। तो ये इसका एक्सेप्शन है, क्या इन केस ऑफ ट्रांसफर द मैरिड माइनर डॉटर, माइनर मैरिड डॉटर, तो ट्रांसफर इज नॉट डीम्ड टू बी द ओनर, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद में है आपका मेन, इसके अंदर यही था, एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाला देख लेना कि अगर मान लो आपका किसी कंपनी के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है कि आपके पास उस कंपनी के 20% या उससे ज्यादा वोटिंग राइट्स थे, ठीक है, और आपने अपने स्पाउस को वहां पे लगवा दिया तो वहां से स्पाउस को अगर वो अपने कैलिबर के बेस पर नहीं लगा, आपने लगवाया, तो वहां से आने वाले जो भी इनकम होगी वो इनकम आपके हैंड में टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर आपका जो स्पाउस है वो अपनी मेहनत से लगा है, ठीक है, अपने कैलिबर के बेस पर लगा, अपनी डिग्रीज के बेस पर लगा, ठीक है, तो उसकी जो इनकम होगी वो सेपरेटली काउंट की जाएगी, वो आपकी इनकम में क्लब नहीं की जाएगी। इसके बाद ये क्लबिंग प्रोविजन आपको मैंने बता दिया, इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड ये आपको बता दिया, माइनर इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इंक्लूडिंग माइनर मैरिड डॉटर वो इन क्लब की जाएगी पेरेंट्स की इनकम में। फिर कन्वर्जन इनटू एचएफ प्रॉपर्टी, अगर मान लो आपने जो है वो क्या कर दिया, अगर इंडिविजुअल ने कन्वर्ट किया या ट्रांसफर किया अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को इनटू किसमें, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, और सच प्रॉपर्टी को सब्सिक्वेंटली पार्टीशन कर दिया, देन बिफोर पार्टीशन ऑफ द एचएफ प्रॉपर्टी एंटायर इनकम जो है वो फ्रॉम द कन्वर्टेड प्रॉपर्टी चार्जेबल टैक्स इन द हैंड ऑफ द ट्रांसफर, तो जो मेंबर था उसके हैंड में ट्रांसफर होगी, और पार्टीशन के बाद में जो एचएफ की जो प्रॉपर्टी है तो इनकम फ्रॉम सच कन्वर्टेड प्रॉपर्टी एज इज रिसीव बाय द स्पाउस ऑफ द ट्रांसफर विल बी इंक्लूड द इनकम ऑफ द ट्रांसफर, तो ये बात ध्यान रखना। अगर आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी थी वो एचएफ के नाम पर ट्रांसफर कर दी,
ठीक है, और अभी तक पार्टीशन नहीं हुआ तो उससे प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम आपकी इनकम मानी जाएगी, एचएफ की इनकम नहीं मानेंगे। लेकिन मान लो पार्टीशन हो गया तो पार्टीशन के बाद में उसके पांच हिस्से कर दिए, पांच हिस्से में सिर्फ दो हिस्से, एक आपका और एक आपकी स्पाउस जो है, उसको अगर मान लो उस पार्टीशन प्रॉपर्टी से कोई हिस्सा मिलता है ना तो वो आपके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी। इसके बाद है, ये तो नॉर्मल सा है बस, माइनर चाइल्ड वाला आपको मैंने बता दिया। माइनर चाइल्ड के नाम पे अगर कोई इनकम ट्रांसफर किया तो आपकी हैंड में टैक्सेबल होगा, ठीक है। और अगर लेकिन अगर माइनर मैरिड डॉटर के नाम पे अगर आपने कोई प्रॉपर्टी कर दी तो आप उसके डीम्ड ओनर नहीं माने जाओगे, वो गिफ्ट काउंट हो जाएगा और वे फिर जो उसका हस्बैंड होगा उसको उसके ऊपर जो है टैक्स पे करना पड़ जाएगा, ये बात ध्यान रखना। बस खत्म। इसके बाद फिर आखिरी एक और ये चैप्टर और कर लेते हैं एक बार, एग्जेम्पशन वाला, एग्जेम्पशन फ्रॉम द टैक्स। तो इसके अंदर सेक्शन 10 जो है वो अपने को पढ़ना है। तो एग्जेम्पशन जो है इनकम टैक्स के अंदर वो डील करता है उसको, सेक्शन नंबर 10। सेक्शन 10 जो है वो ये बोलता है, इनकम विच आर एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 विल नॉट बी इंक्लूड द कंप्यूटिंग द टोटल इनकम। सेक्शन 10 के अंदर आने वाले जो भी इनकम है उसको टोटल इनकम के अंदर काउंट ही नहीं। एक होता है डिडक्शन, डिडक्शन के लिए क्या होता है, पहले इनकम टोटल इनकम में काउंट होती है और बाद में डिडक्शन मिलती है, लेकिन एग्जेम्पशन के अंदर इनकम जो है वो काउंट ही नहीं होती है। तो इसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम उसको डील करता है सेक्शन 10(1), ये आपकी एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो मिनिमम एग्जेम्पशन ज्यादा है तो एक बार ऐड करके और फिर रिडक्शन मिलेगा। दूसरा, अगर आपको एचयूएफ से कोई भी शेयर मिलता है उसको डील करते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 2। तो एचयूएफ से अगर कोई शेयर मिले तो आपके हैंड में एग्जेम्प्ट रहेगा, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी एचयूएफ पहले से टैक्स पे कर चुकी है। शेयर ऑफ द इनकम ऑफ द पार्टनर फ्रॉम इज फर्म, अगर आपको फर्म से जो है वो कोई भी शेयर मिलता है तो वो भी आपके लिए एग्जेम्प्ट है क्योंकि ऑलरेडी फर्म उसके ऊपर टैक्स पेमेंट कर चुकी है। अगर पेमेंट मिलता है भोपाल गैस लीक से, डिजास्टर एक्ट के अंदर अगर कोई पेमेंट मिला एग्जेम्प्ट आपके लिए। कंपनसेशन डिजास्टर मिला, इसको सेक्शन 10(10)(bc) जो है वो गवर्न करता है तो ये भी आपके लिए एग्जेम्प्ट है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मनी का कोई पैसा मिला एग्जेम्प्ट है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट का पैसा मिला एग्जेम्प्ट है। नेशनल पेमेंट सिस्टम ट्रस्ट से अगर कोई पेमेंट मिल दिया एग्जेम्प्ट है। पार्शियल विड्रॉ किया फ्रॉम द नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट एग्जेम्प्ट है। अगर इंटरेस्ट की इनकम मिलती है सेक्शन 10(15) में एग्जेम्प्ट है। एजुकेशन स्कॉलरशिप मिलती है, मान लो ये जीआरएफ का पैसा मिलेगा एग्जेम्प्ट है। एमपीएमएलए को अगर कोई अलाउंसेस मिलते हैं तो उनके हैंड में जो है वो क्या रहेगा एग्जेम्प्ट है। अवार्ड मेड बाय द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने कोई आपको अवार्ड दिया पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर तो वो भी जो है वो क्या रहेगा एग्जेम्प्ट है। गैरंटी अवार्डी को के घर वालों को अगर पेंशन मिला एग्जेम्प्ट है। फैमिली पेंशन मिलती है एग्जेम्प्ट है। विडो को जो मिलेगा तो एग्जेम्प्ट, कितने एग्जेम्प्ट है 15,000 या 1/3 व्हिच एवर इज लेस वो उनके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एनुअल वैल्यू जो है ना ऑफ वन प्लेस ऑफ द रूरल ऑफ द इंडियन स्टेट तो ये भी उनके लिए क्या रहेगा एग्जेम्प्ट रहेगा। इनकम ऑफ द शेड्यूल ट्राइब वो क्या रहेगा एग्जेम्प्ट रहेगा। सिक्किम की इनकम जो है वो क्या एग्जेम्प्ट है। इनकम ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की ये भी क्या रहेगा एग्जेम्प्ट रहेगा। सब्सिडी मिलती है अगर आपको सब्सिडी फ्रॉम द बोर्ड फॉर रीप्लांटेशन एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ द टी बुशेस और द रिजुविनेशन ऑफ द एरिया अंडर द टी कल्टीवेशन ये भी एग्जेम्प्ट है। सब्सिडी रिसीव होती है बाय द प्लांटर फॉर रीप्लांटेशन और द रिप्लेसमेंट ऑफ द रबड़ कॉफी कार्डमम तो ये भी क्या रहेगा एग्जेम्प्ट रहेगा। माइनर चाइल्ड से माइनर चाइल्ड की इनकम आपकी इनकम में क्लब किया जाएगा और आपको 1500 रुपए की जो है वो क्या मिलेगी डिडक्शन, ये 1500 है ध्यान रखना, तो 1500 रुपए की क्या मिल जाएगी एग्जेम्पशन मिल जाएगी। इनकम फ्रॉम यूनिट स्कीम एग्जेम्प्ट होती है। इनकम फ्रॉम शेयर होल्डर ऑन द बायबैक ऑफ शेयर एग्जेम्प्ट है। इनकम फ्रॉम यूनिट एग्जेम्प्ट है। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एलिजिबल इक्विटी शेयर ये एग्जेम्प्ट है। लेकिन यहां पे ना लेकिन ये बात ध्यान रखना डिविडेंड की इनकम जो है वो आज जो है वो क्या है आपके लिए टैक्सेबल है, ये आपके लिए एग्जेम्प्ट नहीं है। इसके बाद है इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड तो ये क्या है आपके लिए एग्जेम्प्ट है, प्रोवाइडेड वो जो है वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए। टैक्स इंसेंटिव अगर मिलता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ द आंध्र प्रदेश एग्जेम्प्ट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिला अगर यूनिट ऑफ द इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट म्यूचुअल फंड या बिजनेस ट्रस्ट एग्जेम्प्ट है। इनकम फ्रॉम इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट एग्जेम्प्ट है अगर वो कहां पे हुआ हेल्ड इन इंडिया। इनकम ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी तो ये भी क्या रहेगा एग्जेम्प्ट है। स्पेसिफाइड इनकम जो मिलता है बॉडी या अथॉरिटी को एग्जेम्प्ट है। लोन रिसीव अंडर द रिवर्स मोर्टगेज एग्जेम्प्ट रहेगा अगर कोई अलाउंसेज या प्रीक्विजिट्स मिलते हैं किसको चेयरमैन या मेंबर ऑफ द यूपीएससी एग्जेम्प्ट है। या अगर इनकम मिलती है आपने कोई न्यूली अपने बिजनेस को सेटअप किया स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तो वहां से अगर कोई भी इनकम कमाएंगे तो वहां पे आपको टैक्स होलीडे मिल जाएगा तो 15 कंसेक्यूटिव इयर्स के लिए। तो ये बात ध्यान रखना ये सब वो इनकम है जो आपकी इनकम के अंदर जो है वो काउंट भी नहीं होंगे। दिस ऑल आर द एग्जेम्पशंस तो ये याद करना पड़ेगा। ओके जी सर, चलो एक काम करो अभी के लिए आप इतना करो ठीक है और बाकी जो रह गया उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है वो रिवाइज करेंगे। तो ऊपर ऊपर से एक बार मैंने आपको सारा का सारा गो थ्रू करवा दिया, आई होप आपको इससे काफी हेल्प मिलेगा क्योंकि सारी वीडियोस ना लगा के इनसे ही आपका जो है वो काम चल जाएगा। तो एक बार आप इसको कीजिए, बाकी का जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर उसके बाद में मैनेजमेंट की वीडियो जो है वो भी हम डालेंगे ठीक है ना, मैनेजमेंट की जो रिविजन वीडियो है अपने यूनिट 6 की वो भी हम डालेंगे साथ साथ ठीक है ना। जी सर, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा ठीक है ना। तो बाकी एक बार ये करो, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।